हेलो सारे जो जो अटेंडीज हैं उन्हें सब कुछ यदि ओके नजर आ रहा है खास करके व्यू साउंड तो एक बार या तो ऑल ओके लिख दो या पे लाइक बटन दबा दो जो तुम्हें अच्छा लगे ठीक है ऑल ओके हाँ सुधांशु जी आज ही है सब कुछ थैंक यू Fine. तो भाई आज अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा रीकैप है स्टार्ट हुआ नहीं उसके पहले बच्चों के डाउट थे पहले वो डाउट मैं क्लियर करूं कि चार्ट भी ब्लर ही रहेगा ना इतना बड़ा चार्ट इतनी सी स्क्रीन में थोड़ी नजर आएगा जब बड़ा करूंगा तब क्लियर होगा बड़े बच्चे हो यार अपने बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चों के डाउट्स से कि आज वाला जो सेशन है क्या इसमें सारा डीटी कवर होगा क्या तो आंसर इज यस इसमें सारा डीटी कवर होगा लिटरली एक चीज कवर होगी एक एक चैप्टर कवर होगा आज हाउस प्रॉपर्टी से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है मुझे ज्यादा टफ नहीं रखना लेकिन आज हाउस प्रॉपर्टी का सेशन है टाइम मिला तो एक चैप्टर और स्टार्ट करेंगे कल सैलरी का सेशन है टाइम मिला तो एक चैप्टर और स्टार्ट करेंगे उसके बाद परसों यदि सब ओके रहा तो पी जी बी पी के सेशन शुरू होंगे उसके बाद ऑब्वियसली कैपिटल गेन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन अगला क्वेश्चन आपका यह रहेगा कि क्लास की ड्यूरेशन कितनी रहेगी तो भैया जी क्लास की ड्यूरेशन रहेगी सात से शुरू होगा आज कुछ टेक्निकल फेल्योर था ठीक इसके पहले क्लास और भी थी इसके कारण कुछ शेड्यूलिंग ऑफ थी इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया अदरवाइज क्लास सात पे शुरू हो गई और नौ तक तो पक्का है नाइन थर्टी भी हो सकता है टेन भी हो सकता है टेन थर्टी भी हो सकता है इलेवन भी हो सकता है यह अश्योरेंस है इलेवन का आगे नहीं जाएगा ठीक है तो क्लास दो से चार घंटे की होगी डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आज फीवर है तो मुझे नहीं लगता आज मैं दो तीन घंटे से ज्यादा पढ़ा पाऊंगा तो आज एक बार अपने दो घंटे का शेड्यूल मान के चले ठीक है ये सब अपना ये सब अपना जनरल क्वेरी का आंसर हो गया अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है सेशन को लेके तो पूछो जब तक आप पूछ रहे हो तब तक, तक मैं और बातें आपको बता दू जब तक आपके डाउट आते हैं, तब तक थोड़ी बहुत बातें और बता दूं कि ये सेशन कैसे होने वाला है तो ये सेशन तीन लेयर में चलेगा जैसे कोई भी चैप्टर कराने हैं तो हम आपको तीन लेयर में कराएंगे पहले लेयर में हम आपको ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक बहुत ही फास्ट रिकेप देंगे हमारे इस चार्ट के माध्यम से ठीक है बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सेशन हमने एक एडवेंचर स्टार्ट किया है वन चैप्टर वन पेज तो ये देखिए पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक पेज में है बस इतना सा ही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पहले इसको वन पेज वन चैप्टर के थ्रू पहले फिनिश करेंगे ठीक है जब ये अपना काम हो जाएगा वन पेज वन चैप्टर वाला पूरा रिकैप हो जाएगा देन विल कम टू द नेक्स्ट रिविजन और वो नेक्स्ट रिविजन होगा ये आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके स्टडी मैट में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग वर्ड बाय वर्ड पलटेंगे ठीक है जब आपका स्टडी मैट पलटना हो जाएगा तब हम लोग तीसरा काम ये करेंगे कि आपको एक होम टास्क देंगे पीडीएफ के माध्यम से क्या देंगे आपको होम टास्क देंगे पीडीएफ के माध्यम से और फिर वो होम टास्क आपको करके आना रहेगा अब आपके दिमाग में रह रहा है वॉट इज दैट होम टास्क तो होम टास्क इज नथिंग बट हमारे इंस्टीट्यूट ने आज तक हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में क्या पूछा है पिछले चार पाँच सालों में उन्होंने एम टी पी आर टी पी में क्या दिया है पिछले चार पाँच टर्म्स में उस सब की एक समरी बना के एक कोई तीन चार पेज का पी डी एफ है दैट इज नथिंग बट हाउस प्रॉपर्टी का टूशन बैंक वो आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद वो आपको सॉल्व करके आना रहेगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास वो पीडीएफ हम लोग वर्ड टू वर्ड सॉल्व नहीं करेंगे परंतु जिसका भी जो भी डाउट है उसे वहाँ पे टेकअप करेंगे यानी अगली क्लास भी हाउस प्रॉपर्टी का पंद्रह मिनट का सेशन रहेगा दैट इज क्वेरी हैंडलिंग सेशन और उसके बाद विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर तो ये हमने एक सिक्वेंस बनाई है होपफुल्ली ये सिक्वेंस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देगी स्टूडेंट्स मेरी नज़र में दो चार मिनट इस डी टी रिविजन का एक बार मैं पूरा पैकअप कर कि इज इज दिस रिवीजन सेशन इस दिस रिवीजन सेशन सेशन एंड हमें ऐसे लगता है कि स्टूडेंट्स बड़ा मासूम होता है उसको तो क्या पढ़ना है ये नहीं पता तो हम लोग एक एक करके चैप्टर उसको तो पढ़ाते हैं और फिर उसमें होम टास्क दे देते तो उसको तो चैप्टर पैक कराते हैं फिर बच्चा इतना मासूम है कि उसको तो ये भी नहीं पता कि अब रिविजन कैसे करना है और रिविजन में कितना पढ़ना है तो फिर उसको एक रिविजन सेशन भी हम लोग हैंड होल्डिंग इन कॉन्सेप्ट में दे रहे हैं कि पहले एक बार वन पेज वन चैप्टर की जिस्ट निकाल और उसको पूरा पढ़ डाल उसके बाद एक ऑडियो रिकॉर्ड कर ले उसको पूरा पढ़ डाल वो भी आज अपने करेंगे फिर उसके बाद स्टडी एक बार पलट डाल ठीक है वो भी आज अपने करेंगे फिर एक इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने सम्स दिए अपने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन वो कर डाल वो भी हम तुमको देंगे मतलब इस रिविजन सेशन में पूरा टैक्स हम आपको हैंड होल्डिंग कॉन्सेप्ट में वर्ड टू वर्ड कराएंगे बस तुम इतना इतनी दुआ करो कि मेरा ये जो फीवर है ना ये बीच में ना आए ये रह रहते बीच में आ जाते कोई बात नहीं। अभी तो मुझे लगता है कि पैरासीटामोल जिंदाबाद अभी तो मुझे ये लगता है तो चलो लेट स्टार्ट सब रेडी है क्या इसी के मन में इस डीटी के रिवीजन सेशन को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें अरे हां बोल दो मुझे आश्चर्य हो रहा है तो उस बच्चे लाइव में आके बैठ गया है इन्हें मैं ग्यारह बजे तक आज बैठाऊंगा दो हो इनके घर से कॉल आने वाले आज चलो अच्छी बात है भगवान करे कॉल ना आए तो ये वो इतना सा टॉपिक है मुट्ठी भर यू you नो know, इतना सा टॉपिक है बस इतो सा टॉपिक है ये बस इतो सा टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है ठीक है इसको तो थोड़ा सा एक एक करके दिखाता हूं लेट स्टार्ट लेके प्रभु का नाम थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई चाहिए हर तरफ से जो वहां पर बैठे सुन रहे हैं ऑनलाइन उनका भी एनर्जी लेवल हाई चाहिए ठीक है एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी लेवल फोकलस होता है तो अपने आप हाई हो जाता है एनर्जी लेवल मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के एनर्जी मतलब डीप फोकलस नहीं रहना चाहिए काम एक तरफ होना चाहिए दैट इज एनर्जी लेवल इज हाई फाइन स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन सेक्शन ट्वेंटी टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला सेक्शन सेक्शन ट्वेंटी टू ये बोल रहा है एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सीबल इन हैंड्स ऑफ ओनर प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन वापस से बोलू एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन अब टैक्स लाइट कॉन्सेप्ट होता है दाना दाना थन के दाना दाना थन के मतलब आपको एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए तो पहला वर्ड उठाते हैं क्या एनुअल वैल्यू व्हाट इज एनुअल वैल्यू तो एनुअल वैल्यू मतलब नोशनल इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन अदर वर्ड्स इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन अदर वर्ड्स अपॉर्चुनिटी इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन सिंपल वर्ड्स उस हाउस प्रॉपर्टी को यदि लेट आउट करते यदि करते प्रॉपरली तो कितने रुपए आते

Residential house property must have a roof. But a commercial house property may be without roof. So, house property means land surrounded by sufficient wall. And it may or may not have roof. And any land appurtenant thereto. Yani, ye aapta land, ista ye portion surrounded by sufficient wall. Chalo roof bhi bana diya. And this part is, ट लैंड इज अटैच टू अटी सो दिसर विल बी टर्म्ड एज हाउस प्रॉपर्टी मतलब पूरा पार्ट हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा लैंड सराउंडेड बाई सॉल एंड एनी लैंड अपर्टनेंट यानी अटैच टू वापस से आते सेक्शन ट्वेंटी टू पढ़ रहे क्या पढ़ रहे एनुअल वैल्यू ऑफ अउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा आया ओनर इज ओनर तो ओनर मतलब ओनर मतलब ओनर ओनर मतलब लीगल ओनर और बेनिफिशियल ओनर लीगल ओनर मतलब वो जिसके नाम पर प्रॉपरली प्रॉपर्टी प्रॉपरली रजिस्टर्ड है लीगल ओनर मतलब जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है एंड बेनिफिशियल ओनर मीन्स बेनिफिशियल ओनर मीन्स अ पर्सन जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है बट ही इज एज गुड एज ओनर परंतु कुछ लीगल पेपर में कमी है डेफिशियंसी है हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी का मामला बहुत डिस्प्यूटेड रहता है बड़ी बड़ी मंजिलें गवर्नमेंट ऐसे गिरा देती है बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट राइट तो यदि किसी प्रॉपर्टी का आपने पैसा दे के खरीदा परंतु आपके टाइटल में कुछ डिस्प्यूट है डिबेट है डेफिसियंसी है तो फिर माना आप उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर लीगल ओनर तो नहीं है परंतु हम आपको बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर और पूरा इनकम टैक्स बेनिफिशियल ओनरशिप को रिकॉग्नाइज करता है जैसे डेप्रिशिएशन पीजीबीपी टॉपिक में जाऊं तो वहां पे भी बोला हुआ है पॉटलेमेंट यू मस्ट बी द ओनर परंतु वहां पे भी ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर यानी वहां पे भी यदि आपकी टाइटल में थोड़ी बहुत डेफिशियंसी भी है तब भी हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करते अलाउ करते अगली बात आती है ओनर के नाम पे ये सपोज एक प्रॉपर्टी मैंने लीज पे लिया है मैंने एक प्रॉपर्टी लीज पे लिया है यानी मैंने उस प्रॉपर्टी को नाइन्टी नाइन ईयर्स लीज पे ले लिया तो क्या मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं तो आंसर इज ओनर इंक्लूड्स फ्री होल्ड ओनर और लीज होल्ड ओनर तो यदि आप किसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ली लीज पे लेते हो तब भी आप उसके ओनर माने जाएंगे उसके बाद एक ओनर का एक्सेप्स है सेक्शन 27 में वो अपने इस टॉपिक के एंड में करेंगे फाइन तो हम लोग क्या किया एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन इसका मतलब यह हुआ कि यदि प्रॉपर्टी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा रिपीट यदि प्रॉपर्टी अपने ही बिजनेस में यूज हो रहा है तो फिर वो पीजीबीपी हेड में जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज नहीं आती पहला वो प्रॉपर्टी जिससे आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो और वो प्रॉपर्टी जिसका आप बिजनेस करते हो लेट आउट का तो यदि आपका लेटिन आउट करने का बिजनेस ही है तो फिर वो पीजीबीपी हेड में जाएगा और यदि किसी प्रॉपर्टी में बैठ के आप बिजनेस कर रहे हो जैसे इस सेंटर में बैठ के मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये सेंटर यानी ये प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा ये पीजीबीपी हेड में जाएगा फाइन? तो फाइनली आपने सेक्शन ट्वेंटी यानी टैक्स का इंट्रो सेक्शन कर लिया आपने किया एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी

आगे इस चार्ट में सारी बातें दी हुई है हाउस प्रॉपर्टी मीन्स लैंड सराउंडेड बाई सफिशियंट वॉल इट मे और मे नॉट हैव रूफ एंड एनी लैंड देयर टू इसमें एनुअल वैल्यू की भी डेफिनेशन है एनुअल वैल्यू मीन्स इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ हाउस ओनली ओनर कैन बी टैक्स अंडर दिस हेड हेड टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्सेस राइट सब लेट इन यू अंडरस्टैंड मैंने प्रॉपर्टी खरीदा प्रॉपर्टी खरीद के किसी और को भाड़े पे दिया वो भाई साहब ने भी किसी और को भाड़े पे दिया तो जब टेनेंट प्रॉपर्टी लेट आउट करता है ना तो उसको बोलते सब लेट इन तो टेनेंट तो ओनर नहीं है ना इसलिए टेनेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा ठीक है इफ प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग योर बिजनेस तो ये माना जाएगा द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस आई रिपीट वेन द प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट इन योर बिजनेस तो हम माने दिए प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस एग्जाम्पल से समझो ऐसे कम समझ में आता है ये है मेरी फैक्ट्री ये है मेरी फैक्ट्री और यहां पे है मेरा एक बड़ा सा मकान जिसमें कोई 400 500 छोटे छोटे फ्लैट है 400 500 अब इस मकान को मैंने क्या किया अपने टेनेंट को भाड़े पे दे दिया अपने टेनेंट कौ अपने एम्लॉय को भाड़े पे दे दिया अपनी फैक्ट्री में तो 500 सौ एम्प्लॉय काम करते पांच सौ एम्प्लॉय में से 400 सौ एम्प्लॉय को मैंने यहां पे प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया और हर एम्प्लॉज से मैं रेंट वसूल करता हूं कितना आठ हजार रुपया पर मंथ और ये आठ हजार पर मंथ ही उसका रेंट है मतलब मार्केट रेट भी वही है मतलब इंप्लॉय को मैंने कोई सस्ता वस्ता नहीं दिया प्योरली उनके साथ धंधा किया।, किया है या मैंने अपने एम्प्लॉय को ये प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया परंतु एक खासियत है कि इस प्रॉपर्टी में से एक भी फ्लैट मैंने किसी आउटसाइडर को नहीं दिया मैंने बोल रहा है कि मेरे इस प्रॉपर्टी में सिर्फ सिर्फ एम्प्लॉय को भाड़े पे दूंगा और किसी को नहीं दूंगा अब इस प्रॉपर्टी से मेरे को आप समझते कितना रेंट आ रहा है चार सौ इंटू साल का इतना रुपया का रेंट आ रहा है अब आपको बताना है ये जो मेरा इतना रुपया का रेंट आ रहा है ये पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी लाउड पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी एंड आंसर इज दिस विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड पी ये बोला जाएगा दिस प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग इन माई बिजनेस क्योंकि मेरी फैक्ट्री के अंदर जितने एम्प्लॉयज है यदि सब मेरे ही घर में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा उनके ऊपर डोमिनेशन है कंट्रोल है एंड दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुस्ट इन माई बिजनेस एंड विल बी टैक्सेबल अंडर दी जी बी पी आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई तो यदि आप अपने एंप्लॉय से रेंट बटोरते हो ना तो भैया वो पीजीबीपी का मामला है हाउस प्रॉपर्टी का मामला नहीं है तो ये नोट यहां पे काम आ गया

और मैंने अपनी ऑफिस अपनी फर्म को तो भाड़े पे दे दी आई रिपीट मैंने अपनी ऑफिस अपनी ही फर्म को तो भाड़े पे दे दी अब फर्म मुझे देता रेंट आप बताओ ये जो मुझे रेंट मिल रहा है या ये प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस से आ रहा है या प्रॉपर्टी लेट आउट से आ रहा है मतलब पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी आई रिपीट माई क्वेश्चन आई हैव ए प्रॉपर्टी आई लेट आउट द प्रॉपर्टी टू माई ओन पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें मैं और मेरा दोस्त पार्टनर है उसी को मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया इसको फर्म को और फर्म से मैं रेंट ले रहा हूं तो बताओ क्या माना जाएगा प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस उस फर्म का फिफ्टी शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे को तो जाता है परसेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे को तो जाता है बताओ बताओ क्या पीजीबीपी पी या हाउस प्रॉपर्टी लाउडर लाउडर इन फास्टर ऐसा पढ़ने आए हो बोलो देखने नहीं आए माहौल देख लिया चलो बाद में देख लेना जीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी एंड आंसर इज एंड आंसर इज हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस ओन बिजनेस मतलब समझते ओन बिजनेस वो फर्म का बिजनेस है इनकम टैक्स नजर में फर्म एंड संजय मुंद्रा टू डिफरेंट एंटिटी तो क्या वो संजय मुंद्रा का बिजनेस है नो नो दैट इज अस ऑफ द फर्म तो सिंस फर्म का बिजनेस है तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस एंड दे रेंट विल बी टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है फर्म के हाथ में वो अलाउड एक्सपेंडिचर माना जाएगा और मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आएगी सब क्लियर है क्या पता कलो चलो चलो आगे बढ़े फिर हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में यहां तक सबको सब क्लियर तो बहुत ही अच्छी बात से तो हम लोग आगे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन याद करने के लिए करा रहा हूं ट्वेंटी थ्री वन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू बी पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ट्वेंटी थ्री थ्री एंड डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ट्वेंटी थ्री फोर इस तरीके से अभी हम लोग चार हाउस प्रॉपर्टी को हैंडल करने वाले चार के पांच पांच कौन कौन से पांच आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड अनऑक्युपाइड पीएसओ एंड डीम टू लेट आउट सबसे पहले कौन सा उठा रहे हैं सबसे पहले उठा रहे हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। आई होप व्यू इज नॉट ब्लर हाँ व्यू इज नॉट ब्लर क्लियर होना चाहिए हाँ, सर, एकदम क्लियर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने का फॉर्मेट सबसे पहले निकालिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसमें से लेस करिए टैक्सेस बाय लोकल ऑथोरिटी तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू से डिडक्शन दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करिए तो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है तो सबसे पहले करते हैं हाउ टू कंप्यूट जीएबी तो दो भैया जीएबी निकालने का यह तरीका है नंबर फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट आर ई आर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपका इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलता है ठीक है यार कौन माइंडेड रहता है तो कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट यू से वट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इट इज हायर ऑफ म्युनसिपल वैल्यू ऑफ रेंट लेट मी रेक्टिफाई इट इट इज हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू ऑफ येंट वट इज ग्रॉस म्युनसिपल वैल्यू इट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड

रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकलिटी अरे सर एक बात बताओ ना जब एनुअल वैल्यू एज पर म्यूनिसपैलिटी रिकॉर्ड दिया है, तो, ये आपने बीच में तो दिया हुआ था उसी से काम हो जाता यह फेयर रेंट की पंचायती का एक तो प्रॉब्लम यह है ना कि एनुअल वैल्यू ऑफ द म्युनिसिपैलिटी म्युनिसपालिटी का थोड़ा बहुत उसमें बायसनेस चलता है हमारे हावड़ा की म्युनसिपैलिटी का तो ये हालत है लिटरली पूरे इंडिया की का ये हालत है ये प्रॉपर्टी की तो इज्जत ही नहीं करते हम सबको बोलते हैं आदमी आदमी में डिफरेंस समझो यार माना सब आदमी बराबर है लेकिन फिर भी बिहेव करते समय आदमी और आदमी में डिफरेंस होता है नहीं तो फिर सभी आदमी तो एक ही पैंतीस दो न चालीस लाख का है ना लेकिन देन वी डिफरेंशिएट ना यार ये अलग आदमी ये अलग आदमी है लेकिन हमारी म्युनिसपैलिटी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में डिफरेंस करना नहीं जानती ऐसी बचपना है इनके अंदर कि एक एरिया में जितने भी मतलान खड़े हैं उन सब की ये एनुअल वैल्यू स्क्वायर मानती है मतलब सपोज बाजू में गोकुल धाम सोसाइटी और यहाँ पे है हरे राम सोसाइटी अब गोकुल धाम सोसाइटी इतनी पॉपुलर टीवी में उस तो पर सीरियल आए हुए हैं और यहाँ पे हरे राम सोसाइटी जो नॉर्मल सोसाइटी हा धोतुल धाम सोसाइटी में सारे अच्छे लोग रहते हैं क्या प्रेम भाव है उनमें और क्या अच्छी खेलने की स्पेस है टिकट तो वहां पे जो प्रॉपर्टी का रेट होना चाहिए और ये हरे राम सोसाइटी जो एक नॉर्मल सा स्टैंड लोन बिल्डिंग है तो दोनों में एक ही एनुअल वैल्यू होगी क्या नहीं लेकिन हमारा म्यूनिसपालिटी बोलता है दोनों एक ही एरिया में है हाँ दोनों में लिफ्ट है हाँ दोनों में मार्बल है हाँ दोनों में कार पार्किंग है हाँ तो फिर एनुअल वैल्यू एक ही होगी दैट इज द प्रॉब्लम विद द एनुअल वैल्यू डिटरमाइंड बाई द म्यूनिस्पैलिटी तो यह ऐसी तो खा भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते क्या तो तो किया न छोड़ा वैल्यू ये नहीं होगा लेकिन एनुअल वैल्यू निकालते समय इसको तो ध्यान रहा जाएगा तो सबसे पहला स्टेप जो एनुअल वैल्यू का है कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच ए परिचाई अब सर ये तो समझ में आ गया फेयर रेंट को क्यों घुसा है लेकिन ये बताइए व्हाट इज इज फेयर फेयर रेंट 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 तो द ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकैलिटी अब आप देख लो सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब इस बार गोकुल धाम सोसाइटी और हरे राम सोसाइटी एक साथ ट्रीट नहीं की जाएगी बिकॉज बोथ आर नॉट सिमिलर प्रॉपर्टी अब गोकुल धाम सोसाइटी का यदि किसी फ्लैट का एनुअल वैल्यू निकालना है सॉरी फेयर रेंट निकालना है तो गोकुल धाम सोसाइटी के दूसरे फ्लैट से उसको तो कंपेयर करो यदि फ्लैट का साइज सेम है तो तो सपोज टोटल धाम सोसाइटी में तीन रूम का फ्लैट अभी चालीस हजार पर मंथ में बिका है मतलब भाड़े पे लगा है तो उस प्रॉपर्टी के तीन रूम के फ्लैट का एनुअल वैल्यू चालीस हजार पर मंथ यानी साल का मोटा मोटी पांच लाख फेयर रेंट माना जाएगा बात समझ में आई क्या रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी और सेम लोकलिटी तो फेयर रेंट और क्रॉस म्यूनिसपल वैल्यू विच एवर इज हायर तो दैट विल बी टर्म एज वॉट बल एक्सपेक्टेड रेंट बट टू बी नोटेड बीच में एक और झमेला आ गया कि आरई आर कैनोट एक्सीड स्टैंड रेंट क्वेश्चन आता है, ये rent क्या है? तो स्टैंडरेंट इज द रेंट एज पर स्टैंडरेंट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट वॉट इज रेंट कंट्रोल एक्ट रेंट कंट्रोल एक्ट जब तुम्हारा और मेरा लैंडलॉर्ड और टेन का डिस्प्यूट होगा तो बताओ लैंडलॉर्ड बोलेगा इतना रेंट में लूंगा नहीं और टेनेंट बोलता इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं तो बताओ फिर रेंट कहां जाएगा लैंडलॉर्ड बोले मैं हाथ नहीं लगाऊंगा अपना लिफाफा पकड़ ले मैं नहीं छूने वाला इसको तो बोला भाई साहब इससे मैं दूंगा नहीं लेना ही पड़ेगा आपको बोला मैं लूंगा ही नहीं तो फिर बंदा रेंट कहां दे के आएगा वो तो ले नहीं रहा है और ज्यादा दिन तक रेंट यदि पहुंचा नहीं ना तो मैं बता दू टेनेंट भाई साहब वो पुलिस में एफ आई आर कर देगा मेरे को रेंट नहीं दे रहा आपको परेशानी हो जाएगी इसलिए सभी समझदार टेनेंट लैंडलॉर्ड को बोलते तेरे को रेंट लेना पड़ेगा और यदि वो डिनाई करता है तो हम लोग रेंट कंट्रोल एक्ट में जाके पैसा जमा करके आ जाते कि भाई देखो हम तो देने के लिए रेडी है नहीं तो कल लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा लैंडलॉर्ड बोलेगा टेनेंट तो दिवालिया है मेरा रेंट ही नहीं दे पाता प्रॉपर्टी खाली करवाई है तब कौन प्रूफ करेगा कि आई टेंडर्ड कौन प्रूफ करेगा कैसे प्रूफ करेगा तो चूल्हे में जाए तू लेता तो पकड़ नहीं तो मैं रेरा में पैसा रेंट आ, रेंट कंट्रोल एक्ट में पैसा जाकर जमा कर दूंगा तो ये है हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट हैंडल करता है तो रेंट कंट्रोल में रेंट बताया तो का कानून बता ही रहा है कि इस प्रॉपर्टी का इससे बेस रेंट हो ही नहीं सकता तो भैया फिर एनुअल वैल्यू भी उससे ज्यादा कैसे हो सकता है इससे ज्यादा कैसे हो सकता है तब एनुअल वैल्यू भी इससे ज्यादा हो सकता है, है? 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 इसलिए एनी हाउ कोई भी खूबसूरत पे स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा एक्सपेक्टेड रेंट माना ही नहीं जा सकता तो आई होप आपको जीएवी का फर्स्ट स्टेप आर लॉजिक के साथ समझ में आया अब लॉजिक गया साइड में अब आप बस मेन बात पे ध्यान क्या म्यूनिपल वैल्यू ऑफ फेयर एंड द एक्सपेक्टेड रेंट कैन कैनोट एक्सीड रेंट बात क्लियर बात क्लियर इसको पर आप जितने चाहे सब क्लियर है मोटा मोटी आई होप सब कुछ क्लियर ही है फिर यू you नो know, तभी तभी सौ म्यूनसिपल वैल्यू दस लाख वेयर एंड आठ लाख स्टैंडर एंड नौ लाख तो बताओ भेजी अभी आ आर क्या हो रहा बताओ बताओ आरियर या बताओ फटा बट टाइम नहीं है नौ लाख आ गया दस लाख अठारह लाख और ये सोलह लाख अब बताओ आर रही यार क्या हो बताओ बता बता बता। अरे बताओ यार दिस इज हायर ऑफ द टू दिस इज हायर ऑफ द टू अट्ठारह लाख लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए सोलह आई होप सब सबको तो क्लियर इस टाइम पास तो हटा देते हैं। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा है म्यूनिशिपल वैल्यू या ग्रॉस म्युनसिपल वैल्यू तो बेटा ग्रॉस म्यूनिसपल वैल्यू तो ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू और म्युनिसपल वैल्यू में क्या अंतर है बेटा सिर्फ म्यूनिसपल वैल्यू बोलते हैं ना तो वो होता है नेट तो म्यूनिस्पल और ग्रॉस म्युनसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसपल वैल्यू में थोड़ा अंतर होता है यदि आपकी प्रॉपर्टी नॉन मेट्रो सिटी में है ना यदि आपकी प्रॉपर्टी नॉन मेट्रो सिटी में है था, तब तो नो डिफरेंस दोनों तो एक ही चीज है लेकिन यदि आपकी प्रॉपर्टी मेट्रो सिटी में है ना तो डिफरेंस ये है कि इन दोनों में एक रिलेशन है और वो रिलेशन है 90 परसेंट ऑफ जीएमवी वी ट्वेल्व टू एन एम वी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स प्लस एनी टैक्स चार्ज बाई द म्यूनिसन म्यूनिसपल टैक्स तो ये रिलेशन हमें कई बार अप्लाई करना पड़ता है यदि नेट प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो जीएम निकाल लेती है और जीएम दिया हुआ है तो एन एम बी निकाल लेती है परंतु आई रिमाइंड ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन मेट्रो सिटी यदि प्रॉपर्टी नॉन मेट्रो सिटी में है तब तो फिर से बोल दू नो डिफरेंस बात क्लियर बात क्लियर चलो फाइन इन सबको हम लोग यूज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में अभी आगे बढ़ जाओ तो आपने आर ई आर निकालना सीख लिया आरई आर इज हायर ऑफ म्यूनिसपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट बट आर कैन नॉट एक्सीड स्टैंड रेंट दिया अब अगला स्टेप आता है कैलकुलेट एक्चुअल रेंट रिसीएबल माइनस रेंट अब प्रश्न आता है एक्चुअल रेंट रिसीएबल क्या होता है क्ल रेंट रिसबल मतलब जितना रेंट बनता है फिर भी एक बात समझ लो एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट पर मंथ माइनस कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज आई रिपीट रेंट पर मंथ माइनस कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी लेट आउट नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी लेट आउट तो जितना रेंट है उसमें से कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज माइनस करिए या नेट रेंट और नेट रेंट इन नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी एक्चुअली कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज क्या होता है तुम्हारा डाउट तो कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज मतलब जो वेरियस फैसिलिटीज आप अपने टेनेंट को देते हो इन एसोसिएशन विथ योर फ्लैट जैसे लिफ्ट मेंटेनेंस आप देते हो तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज गार्डन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ देज दरबान फैसिलिटी दे तो कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज पानी वाटर सप्लाई देते कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज तो ये तो जितनी भी आप सेवरल छोटी छोटी हाउस प्रॉपर्टी में रहने के लायक बनाने के लिए जो जो फैसिलिटीज देते हो ना ऑल आर नोन एज कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज तो ये रेंट में से माइनस करिए और नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट से मल्टीप्लाई करिए यह आएगा क्या ए आर आर ठीक है ए आर आर अब इस ए आर आर में से आप माइनस करिए अनिलइज रेंट अनिलइज रेंट को आप मोटी भाषा में क्या बोल सकते हो बैड रेंट रेंट मतलब डूबा हुआ रेंट अच्छा मेरा रेंट डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है कैसे मालूम पड़ेगा बताओ बताओ मेरा रेंट डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है कैसे मालूम पड़ेगा मेरा टेनेंट मेरे को रेंट नहीं दिया क्या मैं उसको अनरिलाइज रेंट बोल दू क्या हा? मेरा रेंट में तो मेरा टेनेंट रेंट नहीं दिया दो महीना हुआ रेंट नहीं दिया मैं उसको रेंट बोल दू क्या बोलो बोलो फटाफट एंड आंसर इज कंडीशन फॉर क्लेम एग्जाम में पूछता है ये थ्योरी आप याद कर लो ठीक है क्या क्या कंडीशन है पहली बात टेनेंसी एग्रीमेंट मस्ट बी बोना फाइट यह तो फर्जी कंडीशन है आ, ये तो नहीं नंबर टू ऑल रीजनेबल स्टेप्स है

Of it. Tenancy agreement is bona fide. All reasonable steps have been taken to recover the rent. All reasonable steps have been taken to get property vacated. Defaulted tenant is not occupying any other property of the SSE. चोर के साथ कोई रिश्ता नहीं चल हो गया तो ये यदि आप सेटिस्फाई कर दो तो समय ये थ्योरी काम नहीं आती है सम्स लगते समय डायरेक्टली वो लोग बोल देते हैं हम लोग मान लेते हैं चारों कंडीशन सेटिस्फाई और ये मैं से पूछता इसलिए रटवाया ठीक है तो तो ये हो गया हमारा एआरआर आर आर माइनस यू और इन दोनों में से जो हायर है ना उसको बोलेंगे जी क्रॉस एनुअल वैल्यू आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई सम की दरकार है लेकिन मैं यहाँ के बाद एक स्टेप और कराऊंगा फिर एक सम कराऊंगा और स्टेप है ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड यदि आपकी प्रॉपर्टी थोड़े दिन वैकेंट है तो फिर क्या करें यदि आपकी प्रॉपर्टी थोड़े दिन वैकेंट है तो क्या करें तो हमारा लॉ बोलता है कि बस वैकेंसी के कारण यदि तुम्हारा एआरआर कम हो गया है तब तो हम वैकेंसी को कंसिडर करते हैं नहीं तो वैकेंसी भूल जाओ yeah. वैकेंसी के कारण यदि तुम्हारा ए कम हो गया है नहीं नहीं वैकेंसी के कारण यदि तुम्हारा ए ज्यादा हो गया है तब तो हम वैकेंसी वापस तो... से बोलता हूं वैकेंसी के कारण यदि तुम्हारा ए कम हो गया है कम की ज्यादा यदि वैकेंसी के कारण इफ द स्टेप टू इज लेस देन वन बिकॉज ऑफ वैकेंसी देन द स्टेप टू विल बी दी अदरवाइज इग्नोर वैकेंसी तो इफ स्टेप टू वापस बोलू इफ स्टेप टू स्टेप टू क्या था ए आर आर माइनस यू आर इज लेस देन स्टेप वन ड्यू टू वैकेंसी देन स्टेप टू विल बी कंसिडर्ड एज जीएवी अदरवाइज वैकेंसी का कोई रोल नहीं है सर ये बात ही तो समझ में नहीं आती बार बार अच्छा तो कोई बात नहीं आज समझ में आ जाएगी सम बनाते हैं आपको दिया हुआ म्यूनिस्पल वैल्यू दस लाख एट मिनट टाइम दो तो स्क्रीन ठीक कर लूँ यार ले लो सर टाइम ले लो नहीं एक मिनट टाइम दो तो स्क्रीन ठीक कर लो बस और क्या है तो आपको दिया हुआ म्यूनिसिपल वैल्यू दस लाख आपको दिया हुआ फेयर एंड बारह लाख आपको दिया हुआ स्टैंडर्ड रेंट साथ में हो हाँ हाँ अट्ठारह लाख आई होप आपका आरिया दिया। आपको दिया हुआ रेंट पर मंथ दो लाख आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एमटीज पर मंथ बीस हजार आपको दिया हुआ वे है वैकेंसी पीरियड थ्री मंथ आपसे पूछा जा रहा है आ, फाइंड जी अभी तो हमने पहले ये पूछा पर हमें ये बता दो प्रॉपर्टी है कहा क्योंकि आपने म्युनसिपल वैल्यू दे रहा है खाली म्युनसिपल वैल्यू मतलब नेट वैल्यू मुझे ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू भी चाहिए तो वो बोला बस इतना ही दिया हुआ है यदि इतना ही दिया हुआ है तो हम लोग ये मान लेंगे प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन नॉन मेट्रो सिटी यानी जीएमवी एनएमबी का कोई लफड़ा नहीं है जीएमवी एनएमबी का कोई लफड़ा नहीं है तो इन तीन को देख के बताओ आरई आर क्या होगा सर इन तीन को देख के बताए आर ई आर होगा बारह लाख अब बताओ ए आर आर कितना होगा सर ए आर आर इक्वल टू रेंट माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी लेट आउट तो भैया यदि प्रॉपर्टी तीन महीना वैकेंट है तो ऑब्वियसली नौ महीने लेट आउट है तो एक लाख अस्सी हजार इन नौ बता दो तो ये आ गया सर सोलह लाख बीस हजार अब बताओ क्या स्टेप टू स्टेप वन से वैकेंसी के कारण कम है पर ये तो कम ही नहीं है ये तो कम ही नहीं है चाहे बात कर रहे हैं तो फिर वैकेंसी भूल जाओ मतलब जब तुमको कोई दुख ही नहीं है तो फिर चाहे आए हो वैकेंसी का इफेक्ट आता है स्कोप पर ये तो ऑलरेडी ज्यादा है तो बस ठीक है माता पची मत करो यदि तुम्हें लगता है कि वैकेंसी के कारण इसको कमी हो गई है तुम आता पची करना सपोज ये फेयर रेंट यहां पे मैं बारह लाख की जगह चौबीस लाख तो आपका चेंज क्या आएगा यहां पे आर ई आर हो जाएगा अठारह लाख वाह अब आप देखिए स्टेप टू या स्टेप वन से वैकेंसी के कारण कम है क्या तो आपको नजर आ रहा है स्टेप टू स्टेप वन से कम है और ऑब्वियसली वैकेंसी के कारण कम है यहाँ पे नौथ ई जगह बारह करिए मालूम पड़ेगा नौ ही जगह बारह करिए मालूम पड़ेगा तो लॉ ये बोलता है कि भैया सुनो ध्यान से सुनना नौ ही जगह बारह मत कर देना एग्जाम में दिस इज द कॉमन एरर वॉट वी डू दो लाख क्या है ये रेंट बीस हजार रुपया क्या है कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज ये आया आपका नेट रेंट एक लाख अस्सी हजार चलो यहाँ पे तो बारह से करी दो कोई बात नहीं है एक लाख अस्सी हजार इंटू बारह की तो ये आ गया इक्कीस लाख ,00 साठ हजार यानी वैकेंसी नहीं होता तो ये इक्कीस लाख साठ हजार अब आप लॉ वापस अप्लाई करिए इफ स्टेप टू इज लेस देन स्टेप वन ड्यू टू वैकेंसी देन द स्टेप टू विल बी द जीए तो यहां पे जीए क्या हो गया सोलह लाख बीस हजार आई होप ये बात क्लियर यदि ये बात कम क्लियर है तो मैं एक बात दूसरे तरीके से समझाता हूं हाँ मैं एक बात दोबारा दूसरे तरीके से समझाता हूं देखिए कई तरीके से समझाया जा सकता है वापस से सेम डेटा सेम डेटा ओके ठीक है इसी नहीं सेम डेटा तो आई होप यहां पे आर ई आर अट्ठारह लाख आया इसमें कोई डाउट नहीं है और अभी तक ए आर आर ए आर आर ये आया सिक्सटीन पॉइंट टू लैख इसमें भी कोई डाउट नहीं है से जो हायर है वो जी भी एक बार मान लो लेकिन फिर चेक करो कि क्या स्टेप टू स्टेप वन से वे इसको हम ऐसे बोलते हैं बच्चों को समझाने के लिए कुछ बच्चे टच जाते हैं तो उन्होंने हम ऐसे समझाते बेटा ये है रानी रोय ठीक है और यह है ऐश्वर्या रॉय हा दोनों का एक कॉन्टेस्ट हो रहा है गली अनारोटेड आ, और दली अनारत वोटेड में जिसके पास ज्यादा वोट होगा वो बनेगा दली अनारतली ले वोटेड लेकिन लेकिन यदि ऐश्वर्या रॉय हमारी ऐश्वर्या रॉय रानी रॉय ऐश्वर्या रॉय में भी प्रेफर हमारी ऐश्वर्या रॉय बंगाल से है तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं हमारी ऐश्वर्या रॉय भले अब अभिषेक बच्चन की हो लेकिन यू नो बंगाल की है तो हमारी तो हमारी ऐश्वर्या रॉय यदि रानी रॉय से वीपी के कारण हार रही है वीपी मतलब वोट प्रोफेशनल वोट प्रोफेशनल के कारण हार रही है तो हम लोग बना देंगे हमारी ऐश्वर्या रॉय को गली अनारतली वोटेड तो हमने देखा कि भैया देखो हमारी ऐश्वर्या रॉय रह हार रही है लेकिन इस समय वीपी है मतलब क्या ये वीपी के कारण हार रही है, ये चेक करना है तो मालूम पड़ा नाइन मंथ का रेंट आया है सिक्सटीन पॉइंट टू तो बारह महीने का रेंट कितना आता यानी वीपी नहीं होता वोट प्रोफेशन सॉरी वैकेंसी प्रियट नहीं होता तो फिर हमारी ऐश्वर्य रॉय को कितने वोट मिलते तो नॉर्थ का रेंट आया सिक्सटीन पॉइंट टू तो बारह का कितना तो आएगा यूनिटरी मैथड यूनिटरी मैथड नौ महीने का रेंट सोलह लाख बीस हजार तो बारह महीने का रेंट सोलह पॉइंट दो डिवाइड बाई नौ इंटू बारह या ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स हा तो हमने देखा कि हमारी ऐश्वर्य रॉय रानी रॉय से वीपी के कारण हार रही है इन दैट केस ऐश्वर्य राय विल बी द गली अनारकली वोटेड तो बताओ गली अनारकली वोटेड कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आ गया क्या यदि आ गया तो अदला समझ करो वर्चुअल वालों फटाफट पत बताओ गली अनारकली वोटेड कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या रैनी रॉय ऐश्वर्य रॉय अदला समेत करो म्यूनसिपल वैल्यू है बीस लाख प्यार रेंट है इक्कीस लाख स्टैंडर्ड रेंट है ट्वेंटी फाइव लाख रेंट पर मंथ है तीन लाख पर मंथ तीन लाख एमेनिटीज बोल के हमने टेनेंट को कुछ दिया नहीं की प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है एमेनिटीज बोल के हम लोग टेनेंट को कुछ नहीं देते चुपचाप ताला खोल रह ले अपना लाइट लगाते नेक्स्ट वैकेंसी पीरियड है इसमें छ महीना और अनरियलाइज रेंट है यानी टेनेंट बिना रेंट दिए भाग गया ऑब्वियसली हवड़ा का प्रॉपर्टी है तो टेनेंट बिना रेंट दिए भाग गया ये आया मोटा मोटी बारह लाख रुपया ऐसे में आपसे पूछा जा रहा है प्रॉपर्टी कहां का है हावड़ा क्या है तो बताओ जीएम करना है क्या लाउडर हावड़ा तुम्हें मेट्रो सिटी नजर आ रहा है और हावड़ा में भी मेट्रो रेल चलने लग गया yeah. अरे हावड़ा में मेट्रो रेल चलने लग गया उससे कोई तो मतलब नहीं है इट इज नॉन मेट्रो सिटी ओवर तो फाइनली हमारा आर ई आर आया इस समय इक्कीस लाख और ए आर आर आया सिंस तीन लाख रुपया रेंट है वैकेंसी पीरियड छह महीना है तो छह महीना प्रॉपर्टी खाली थी छह महीना आउट थी तो जितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट थी वो देखो तो ए आर आर आध्या अट्ठारह लाख माइनस रेंट बारह लाख तो जी भी क्या होता तो पहले ये चेक करो कि क्या ऐश्वर्या रॉय रानी रॉय से कम है आंसर है यस कम है यहां पे अब ये चेक करो क्या ये वैकेंसी के कारण कम है क्या ये वैकेंसी के कारण कम है चेक करो यदि वैकेंसी नहीं होता तो यहां पे कितना होता वैकेंसी नहीं होता तो यहां पे कितना होता वैकेंसी नहीं होता तो ये तीन इंटू बारह छत्तीस लाख हो जाता वैकेंसी नहीं होता तो ये तीन इंटू बारह छत्तीस आ जाता, जाता माइनस रेंट तो यहां पे वो मत कर देना कि छह महीने का नेट रेंट है छह लाख तो बारह महीने का रेंट कितना होगा वो मत कर देना दैट इज द कॉमन एरर व्हाट वी डू यहां पे आपको करना है कि एक महीने का रेंट है तीन लाख तो बारह महीने का रेंट हुआ छत्तीस लाख माइनस रेंट अनरियलाइज रेंट को उतना ही रखना वो प्रोपोर्शनेटली मत बढ़ाना तो हमें समझ में आ गया कि ऐश्वर्या रॉय इज लेस देन रानी रॉय बिकॉज ऑफ वैकेंसी वैकेंसी नहीं होता तो हमारी ऐश्वर्या जी के पास ज्यादा वोट होते तो ऐसे में गली अनारकलीश्वर्या ऐश्वर्या राय बोले तो कितना रुपया नहीं छह लाख क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो छह लाख ही था ना तो गली अनारकली वोटेड बनेगी छह लाख हमारा गली अनारकली वोटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा थोड़ा सा ऑड हो जा रहा है सर हमारी बताते हुए बता दो फटाफट 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 बच्चे बोल रहे ऑल ओके okay. बच्चे बोल रहे हैं क्या ये सीएमए के बच्चे भी रिकेप कर सकते हैं क्या यार ये जाति प्रथा मत लाओ ये सी ए सी एम ए ये सी एस भैया मैं एक ही को जानता हूँ मेरा एक ही तत्व है टैक्स और ये अच्छी क्लास हो रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो जिन जिन के सिलेबस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उन सब के लिए वाइटल क्लास है ये बहुत ज्यादा वाइटल क्लास है उन सब के लिए जिन जिन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिलेबस में है चलो फाइन ऐसा पढ़ा मैं तो इसलिए अपने चार्ट से पढ़ा रहा हूं यार कि वन पेज वन चार्ट इसको पलटते जाओ काम हो जाएगा ये सबके लिए है जे भी हो गया हां एक और कॉन्सेप्ट ले लेते लोगों को तो समझ में आने लग जाता है तो लोग नाचने लग जाते हैं एक सम और देख लेते हैं इसके ऊपर तो हाँ आपको में दिया हुआ है अच्छा 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 एक्स कंस्ट्रक्टेड अ प्रॉपर्टी एक्स कंस्ट्रक्टेड अ प्रॉपर्टी इन कोलकाता एज ऑन वन सेवन ट्वेंटी टू ठीक है फिर दिया हुआ है म्यूनिशिपल वैल्यू पर एन चौबीस लाख पेयर एंड पर एनएम पच्चीस लाख स्टैंडर्ड एंड पर एन 32 थर्टी टू प्रॉपर्टी लेट आउट ऑन वन एट ट्वेंटी टू साथ में रहना एट द रेट एट द रेट थ्री लैख पर मंथ कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज़ फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ फाइंड सीएबी सब साथ में हो क्या सब साथ में हो पता ना एंड एंड टेनेंट वेकेटेड प्रॉपर्टी वेकेटेड प्रॉपर्टी ऑन अरे बोलो कब खाली किया ऑन फर्स्ट मार्च विदाउट पेइंग लास्ट मंथ रेंट फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री विदाउट पेइंग लास्ट मंथ रेंट साथ में हो हाँ सर समझ में आ रहा है लेकिन हो सके तो ब्लैक पेन यूज करिए लाल पेन थोड़ा धुंधला रहता है अच्छा ठीक है क्लियर है यहां तक क्लियर है ओके तो इस सब में सबसे पहले बताओ कहां से स्टार्ट करें बताओ कहां से स्टार्ट करें निकालना चाहिए भी है फाइन भी हाँ निकालना शुरू करेंगे ग्रॉस म्युनसिपल वैल्यू क्योंकि सम का वन ऑफ द फैक्टर है कोलकाता का, का प्रॉपर्टी तो ग्रॉस म्युनसिपल वैल्यू का रिलेशन तुम्हें पता है क्या नाइनटी परसेंट ऑफ जी एम वी क्वल टू एन एम वी प्लस वॉटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स सब साथ में हाँ सर सब साथ में नाइनटी परसेंट ऑफ जीएम तो जीएम बी पता है क्या खाली म्युनसिपल वैल्यू बोले तो क्या मानू नेट म्युनिसपल वैल्यू और ग्रॉस म्युनसिपल वैल्यू नेट म्युनिसपल वैल्यू तो फाइनली नाइनटी परसेंट ऑफ जीएम नाइनटी परसेंट ऑफ टू चौबीस लाख वाटर टैच सब है नहीं सीरेज टेच तो है नहीं तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 90 परसेंट कितना यार ट्वेंटी एट पॉइंट एट 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 ट्वेंटी तो बताओ यार तो चलो 26 पे डन करो यार खत्म करो बात तो ट्वेंटी लाख हो गया हमारा जी एम बी यहां तक क्लियर यहां तक अब बताओ अदला कहां से स्टार्ट करोगे अदला इस सब क्या खास बात है बताओ बताओ अगला इस में क्या खास बात है अरे बताओ बताओ अगला इसम में क्या खास बात है कहां से स्टार्ट करूं दो कोई नहीं बता रहा है कोई नहीं बता रहा है बताओ बताओ कहां से स्टार्ट करूं एंड आंसर इज नाइन मंथ्स का समय इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नाइन मंथ्स ये वो समय जिसमें प्रीवियस ईयर नौ महीने का है क्योंकि प्रॉपर्टी 1722 को तो तो कंस्ट्रक्ट हुआ है तो अ प्रीवियस ईयर स्टार्ट व्हेन द सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट सेक्शन थ्री देखो यहां पे प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है एथ सात से एंड होता थर्टी फर्स्ट मार्च सो हियर द प्रीवियस ईयर इज नॉट अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ इट इज अ पीरियड ऑफ नाइन मंथ तो, तो सारे डेटा तो मुझे नाइन मंथ में लाना पड़ेगा तो अकॉर्डिंगली मेरी ग्रॉस म्यूनिसपल वैल्यू जो ती है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन लेकिन ये तो बारह महीने का है इसको नौ महीने में लाओ श्योर तो भाई देख मेरा इतना अच्छा मैथ्स नहीं है बता दे चिटिन मत करो मेरे साथ तो सर कैलकुलेटर आप ही निकालिए लो मैं निकाल लेता ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इंटू नाइन तो यादिया <laughs> तो अपना बीस लाख बीस लाख पेरेंट <laughs> कितना है फेयर रेंट है पच्चीस लाख तो पच्चीस लाख डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू नाइन एटीन पॉइंट सेवन फाइव और स्टैंड रेंट दिया हुआ है थर्टी टू लैख इसको भी नौ महीने में ले आओ थर्टी टू लैख डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू नाइन इस टू ये आएगा चौबीस लाख देखो तो ये तीन बार करने की जगह हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले गिवन डेटा से देखो आर आर क्या है यहां पे सर आर आया बीस लाख हा तो ऐसा तीन बार करने की जगह नौ बाई बारह नौ बाई बारह नौ बाई बारह तीन बार करना पड़ा इसकी जगह आप पहले इस ऑब्वियस डेटा से एप्सोल्यूट डेटा से कौन सा एप्सोल्यूट डेटा जीएम है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन पेयर रेंट है पच्चीस और स्टैंडर्ड रेंट है बत्तीस पहले आप इससे आर निकाल लो सर आर आर आया छब्बीस तो बस एक ही बार करो ना छब्बीस पॉइंट सिक्स सेवन इंटू नाइन बाई ट्वेल्व तो तीन बार करने की जगह एक बार में काम हो जाता आंसर वही आएगा लाख अब ARR बताओ कितना है, रेंट कितना है रेंट पर मंथ तो सर रेंट है तीन लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज ढाई लाख तो ए आर आर तीन लाख माइनस पचास हजार अब बताओ कितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट हुई कितने महीने प्रॉपर्टी लेटआउट हुई फास्ट एंड लाउडर कितने महीने प्रॉपर्टी लेटआउट हुई कितने महीने प्रॉपर्टी लेटआउट हुई अरे पीट कितने महीने प्रॉपर्टी लेटआउट हुई सात महीने नौ महीने का पीरियड था बोलो हां प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुआ एक सात को लेटआउट कब हुआ एक आठ वहां पे एक महीना चला दिया हाथ से टेनेंट एक मार्च को खाली करके चला दिया तो मार्च खाली जुला जुलाई खाली तो नौ में से दो महीने प्रॉपर्टी खाली है तो सात महीने लेट आउट हुआ हाँ ढाई लाख इंटू सात कितना ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेवेंटीन पॉइंट फाइव सेवेंटीन पॉइंट फाइव तो भैया जिये भी जा रहा है अच्छा अंडरलाइज रेंट भी है हाँ सर अंडरलाइज रेंट कितना है ए आर आर हो दिया। 17.5 पॉइंट फाइव और अनरिलाइज रेंट हो गया टेनेंट लेफ्ट प्रॉपर्टी विदाउट लास्ट मंथ रेंट तो टेनेंट ने पिछले महीने का रेंट दिए बिना भाग दिया तो टू पॉइंट फाइव रेंट दिए बिना भाग दिया तो पंद्रह लाख आ गया मेरा ए आर आर माइनस रेंट, ठीक है अब ये भी क्या होगा इन दोनों में से जो हायर लेकिन क्या स्टेप टू स्टेप वन से वैकेंसी के कारण का बात चेक कर लो सर वैकेंसी नहीं होता ना तो यहां पे ढाई लाख इंटू नौ महीने प्रॉपर्टी लेट आउट होता तो ये आता ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव और उसमें से यदि रेंट हटा देना तो आ जाता जस्ट इक्वल और बच्चों ध्यान रखना यदि जस्ट इक्वल हो जाए तो वो वर्ड काम आएगा हमारी ऐश्वर्या जी तब वो वर्ड काम आएगा हमारी ऐश्वर्या जी यानी यदि इक्वल हो जाए तो हम लोग बायस होकर जी भी बना देंगे हमारी ऐश्वर्या जी को तो जब वैकेंसी का इंपैक्ट हटा के भी दोनों इक्वल आ जाए तो तुम्हें वो वर्ड याद आना चाहिए मेरा वाला कौन सा हमारी ऐश्वर्या जी तो करेक्टर का सम नहीं है वो टैच का सम है ठीक है तो टैच का समय टैच का वर्ड है कि दोनों इक्वल हो जाए तो ए आर आर विल बी है प्रिविलेज ए आर आर विल बी टेकन है जीएवी तो फाइनली जीएवी हो गया पंद्रह लाख रुपए सब बड़ा प्यारा था किसी को कॉपी मारना है तो कॉपी मार लो किसी को फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो आंसर है पंद्रह लाख घर में चाहो तो दोबारा प्यार से इतमिन से बना लेना और यदि हो गया तो फिर ठीक है कुछ मत करो इफ यू आर श्योर की आपका हो गया तो कुछ मत करो फाइन छोड़ दो पूरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में है ही क्या जीए भी सिखाना और है क्या तो जीए भी हमने कर लिया अब हम लोग एक बार अभी तक जितना किया उतना रिवेंट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है शुरू करते हैं हमने स्टार्ट किया टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से और 22 में हमने पहले पढ़ा ए बुलडोजर सेंटेंस एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर इफ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन इस सेक्शन को हम लोग बुलडोजर सेक्शन बोलते हैं बिकॉज पूरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी नोशनल इनकम को टैक्स करते पूरे इनकम टैक्स में एक्चुअल इनकम पे टैक्स होता है जैसे आप जॉब कर रहे थे आपका पैकेज था चालीस लाख का अचानक आपका जॉब समझ में नहीं आया बहुत से पंद्रह हो गया आपने छोड़ दिया अभी आपको कोई दूसरी कंपनी नहीं, नहीं मिल रही तो आपने बारह लाख का जॉब पकड़ लिया तो इनकम टैक्स आपको चालीस लाख पे टैक्स कर सकता है क्या क्या बारह लाख पे ले रहा है चालीस लाख ले चल चालीस लाख पे टैक्स दे ऐसा सैलरी चैप्टर में हो ही नहीं सकता जितना कमाया उतना पे टैक्स एक्चुअल इनकम पे टैक्स लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलता है कि पिछले तीन महीने प्रॉपर्टी तीन लाख रुपया पर मंथ में लेट आउट हुई थी बात बाकी नौ महीने में डेढ़ लाख पे लेट आउट हुई तो इनकम टैक्स आके बोलेगा तीन लाख में लेट आउट तो हो ही सकता था तो योर प्रॉपर्टीज फेयर रेंट इज तीन लाख पर मंथ लाख साल का चलो जीएवी साल का छत्तीस लाख टैक्स दे दो ये नोशनल इनकम पे टैक्स लेता है ये खतरनाक सेक्शन है तो एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन एनिमल वैल्यू मतलब इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी नोशनल इनकम ऑफ दी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी मीन्स लैंड सराउंडेड बाई वॉल मे और मे नॉट हैव अ रूफ एंड एनी लैंड अपर्टनेट अटैच टू मतलब घर के बाजू वाला गार्डन भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है घर का ही पार्ट है नेक्स्ट 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 टैचेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर तो ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर लूप बनाना पड़ता है लूप 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 बनाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर लीगल ओनर मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है बेनिफिशियल ओनर मतलब माना प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है परंतु आपका ओनर वाला ही राइट है पैसा देके प्रॉपर्टी खरीदा है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए इसलिए अपना रजिस्ट्री नहीं हुआ परंतु अपन ओनर है मुंबई का आधा प्रॉपर्टी ऐसे अवड़ाता भी आधा प्रॉपर्टी ऐसे तो भैया ऐसे प्रॉपर्टी तो हम लोग क्या बोलते हैं आप ओनर नहीं हो लेकिन बेनिफिशियल ओनर हो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे

थोड़ा या मोह बहुत सपोर्ट कर रही है ठीक है वो एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना फिर हमने किया कि प्रॉपर्टी कई तरह की होती है लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड स्पार्टलीफ ऑक्युपाइडी लेट आउट हमने सबसे पहले किया लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी फॉर्मेट उठाया फॉर्मेट में सबसे पहले आया जीएवी जीएवी उठाया पहला स्टेप कैलकुलेट आरईआर आर इज द हायर ऑफ ग्रॉस म्यूसिपल वैल्यू ऑफ एर बट आर आर कै नॉट इट स्टैंडर्ड देंट ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू मतलब एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर म्यूनसिपैलिटी रिकॉर्ड आर ई आर मतलब फेयर रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकैलिटी स्टैंडरेंट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एट फिर हमने उठाया ए आर आर एआर मतलब एक्चुअल रेंट रिसबल कुछ बच्चे एनुअल रेंट रिसीवेबल समझ लेते ना ना कुछ बच्चे एक्चुअल रेंट रिसीव समझ लेते ना ना एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ तब भी उसको ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा एनुअल रेंट रिसीवेबल दिया है तब भी उसको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा व्हाट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एक्चुअली जितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट हुई उसका कितना रेंट बनता है मिला कि नहीं मिला बात की बात हाँ कितना मिला दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कितना रेंट अक्रू होता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल

नाइन्टी परसेंट ऑफ जीएम इक्वल टू म्यूनसिपल वैल्यू प्लस वॉट ए टैच प्लस सिवरेज टैच यदि खाली म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो उस एनएम समझो और सब में कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको नॉन मेट्रो प्रॉपर्टी समझो मेट्रो प्रॉपर्टी सब में दिया रहे तो ये रिलेशन अप्लाई करना मैंडेटरी है फिर 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 एक सम किया उसमें हमारी ऐश्वर्य रहोजी का कॉन्सेप्ट समझा यदि किसी कारण से स्टेप वन स्टेप टू बराबर आ जाए वो वैकेंसी पैट हटाने के बाद तो हम लोग ए आर आर को जीएबी मान लेंगे चलो ठीक है कुछ बच्चे बोल रहे आप अकेले अकेले चाय पीते हैं निकिता लोढ़ा आपने बोला सर एक बात दोबारा बता दीजिए तो आपको यह बताना पड़ेगा कि क्या दोबारा बता दू मैंने तो पूरा ही दोबारा बता दिया चलो निकिता जी का जब तक जवाब आता है तब तक अपने आगे बढ़ जाते हैं आहा, ये भी है ये यार ही स्टैचू कनेक्समेंट राय हम लोग आगे अगले स्टेप में देखो ये स्टेप हमारा हो गया ग्रोस एंड वाले हाउस प्रॉपर्टी की जान थी हमने भी इसमें ठीक ठाक वेटेज दिया अगला टॉपिक है टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी इसमें आपको गिन के पांच बातें ध्यान रखनी है गिन के पांच बातें पहली बात पहली बात कि दिस इंक्लूड्स म्युनिसपल टैक्स वाटर टैक्स प्यवरेज टैक्स ठीक है और भी कोई म्यूनिसपालिटी टाइप का टैक्स म्युनिसपालिटी लेती है तो यहां पे माइनस होता आप कौन समझ लेना एनी टैक्स चार्ज बाई म्यूनिसपालिटी हमारे देश में तीन गवर्नमेंट है और तीन गवर्नमेंट हमें रेगुलेट करती है और तीन गवर्नमेंट हमें पेनालाइज करती है तीन गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ज्यादातर टैक्स अब जीएसटी में चले जाए अदला स्टेट गवर्नमेंट उसके भी ज्यादातर टैक्स अभी तक जीएसटी में जा चुके हैं और एक है लोकल ऑथोरिटी लोकल अथॉरिटी का एक भी टैक्स जीएसटी में नहीं गया

रीड फ्रॉम संजय मुंद्रा टैच क्लासेज बेस्ट कोचिंग सेंटर इन हावड़ा बेस्ट कोचिंग सेंटर इन कैलकटा बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑल वेयर एवरी वेयर ऑल ऑफ दर्ल्ड ऐसा हम लोग के जो आ जाते हैं ना पोस्टर तो म्युनसिपैलिटी पढ़ता है ओ हो ये है फोन मार फोन नंबर निकाल चला तो एक स्टूडेंट को फोन नंबर नहीं पढ़ता म्युनसिपैलिटी पढ़ लेते और वहां से फिर फोन करती है मुन्द्रा जी रोड पे पोस्टर लगाए हमसे पूछा हमने बोला सर पूछना पड़ता है बोला आइए आ जाए तो फिर बोलते टैच ये भी टैक्स है लेकिन ये टैक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है यहां पे कौन सा टैक्स माइनस होता है ऑल टैक्सेस चार्ज बाय लोकल ऑथोरिटी इन रिलेशन टू हाउस प्रॉपर्टी तो जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी पे बेस करके टैक्स लिया जाता है वो सारे टैक्स यहां पे, वो सारे टैक्स यहां पे माइनस होते एग्जाम में पॉपुलरली तीन ही पूछता है म्यूनिसिपल टैक्स वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स

भले पे करेंट ईयरता करो कमिंग ईयरता करो या कोई भी ईयरता करो पे करोगे जितना पे करोगे एरियर टैक्स भी इस साल पे करोगे तो इस साल डिटेक्शन मिलेगा चौथी बात इट मस्ट बी पेड बाई ओनर। भाई साहब पे करेंगे तो न उधोता लेना ना माधोता देना उसको तो ना तो रेंट में ऐड करेंगे ना म्युनसिपल टैक्स में लेस करेंगे ठीक है उसका कुछ नहीं करेंगे और लास्ट एडवांस म्यूनसिपल टैक्स भी आप दे दो तब भी डिटेक्शंस मिल जाए कौन कौन सी पांच बातें वापस से बोलो पटात से इट इंक्लूड्स म्यूनसिपल टैक्स वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स नंबर टू इट इंक्लूड्स क्या बोला इट इज कंप्यूटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट म्यूनसिपल वैल्यू दीज आर अलाउड ऑन कैश बेसिस एंड इट मस्ट बी पेड बाई नॉट टेनेंट एंड लास्ट एडवांस म्युनसिपल टैक्स इज ऑल्सो अलाउड मैं तो बार तीस सेकेंड की टाइम तो ये बार बार दिखा रहा ऑफलाइन एक बार मुझे तीस सेकंड दो यार हेलो सारे जो जो अटेंडीज है उन्हें सब कुछ यदि ओके नजर आ रहा है खास करके व्यू साउंड तो एक बार या तो ऑल ओके लिख दो या पे लाइक बटन दबा दो जो तुम्हें अच्छा लगे ठीक है ऑल ओके हाँ सुधांशु जी आज ही है सब कुछ थैंक यू तो भाई आज अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा रिकॉप है स्टार्ट हुआ नहीं उससे पहले बच्चों थे डाउट थे पहले वो डाउट मैं क्लियर करूं कि चार्ट भी ब्लर ही रहेगा ना इतना बड़ा चार्ट इतनी सी स्क्रीन में थोड़ी नजर आएगा जब बड़ा करूंगा तब क्लियर होगा बड़े बच्चे हो यार अपने बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चों के डाउट है कि आज वाला जो सेशन है क्या इसमें सारा डीटी कवर होगा क्या तो आंसर इज यस इसमें सारा डीटी कवर होगा लिटरली एक एक चीज कवर होगी एक एक चैप्टर कवर होगा आज हाउस प्रॉपर्टी से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है मुझे ज्यादा टफ नहीं रखना लेकिन आज हाउस प्रॉपर्टी का सेशन है टाइम मिला तो ये चैप्टर और स्टार्ट करेंगे कल सैलरी का सेशन है टाइम मिला तो ये चैप्टर और स्टार्ट करेंगे उसके बाद परसों यदि सब ओके रहा तो पीजीबीपी जी बी के सेसन शुरू होंगे उसके बाद ऑब्वियसली कैपिटल गेन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि लास्ट की ड्यूरेशन कितनी रहेगी तो भैया जी क्लास की ड्यूरेशन रहेगी सात से शुरू होगा आज कुछ टेक्निकल फेल्योर था ठीक जिससे पहले क्लास और भी थी इसके कारण कुछ शेड्यूलिंग ऑफ थी इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया अदरवाइज क्लास सात पे शुरू हो गई और नौ तक तो पक्का है नाइन थर्टी भी हो सकता है टेन भी हो सकता है टेन थर्टी भी हो सकता है इलेवन भी हो सकता है यह अश्योरेंस है इलेवन के आगे नहीं जाएगा ठीक है तो क्लास दो से चार घंटे की होगी डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आज फीवर है तो मुझे नहीं लगता आज मैं दो तीन घंटे से ज्यादा पढ़ा पाऊंगा तो आज एक बार अपने दो घंटे का शेड्यूल मान के चले ठीक है ये सब अपना ये सब अपना जनरल क्वेरी का आंसर हो गया अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है इस सेशन को लेके तो पूछो जब तक आप पूछ रहे हो तब तक, तक मैं और बातें आपको बता दू जब तक आपके डाउट आते हैं तब तक थोड़ी बहुत बातें और बता दूं कि ये सेशन कैसे होने वाला है तो ये सेशन तीन लेयर में चलेगा जैसे कोई भी चैप्टर कराने हैं तो हम आपको तीन लेयर में कराएंगे पहले लेयर में हम आपको ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक बहुत ही फास्ट रिकेप देंगे हमारे इस चार्ट के माध्यम से ठीक है बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सेशन हमने एक एडवेंचर स्टार्ट किया है वन चैप्टर वन पेज तो ये देखिए पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक पेज में है बस इतना सा ही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पहले इसको वन पेज वन चैप्टर के थ्रू पहले फिनिश करेंगे ठीक है जब ये अपना काम हो जाएगा वन पेज वन चैप्टर वाला पूरा रिकैप हो जाएगा देन विल कम टू द नेक्स्ट रिविजन और वो नेक्स्ट रिविजन होगा कि आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके स्टडी मैट में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग वर्ड बाय वर्ड पलटेंगे ठीक है जब आपका स्टडी मैट पलटना हो जाएगा तब हम लोग तीसरा काम ये करेंगे कि आपको एक होम टास्क देंगे पीडीएफ के माध्यम से क्या देंगे आपको होम टास्क देंगे पीडीएफ के माध्यम से और फिर वो होम टास्क आपको करके आना रहेगा अब आपके दिमाग में रह रहा है वॉट इज दैट होम टास्क तो होम टास्क इज नथिंग बट हमारे इंस्टीट्यूट ने आज तक हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में क्या पूछा है पिछले चार पांच सालों में उन्होंने एम टी में क्या दिया है पिछले चार पांच टर्म्स में उस सब की एक समरी बना के एक कोई तीन चार पेज का पीडीएफ है दैट इज नथिंग बट हाउस प्रॉपर्टी का क्यूशन बैंक वो आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद वो आपको सॉल्व करके आना रहेगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास वो पीडीएफ हम लोग वर्ड टू वर्ड सॉल्व नहीं करेंगे परंतु जिसका भी जो भी डाउट है उसे वहां पे टेकअप करेंगे यानी अगली क्लास भी हाउस प्रॉपर्टी का पंद्रह मिनट का सेशन रहेगा दैट इज क्वेरी हैंडलिंग सेशन और उसके बाद विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर तो ये हमने एक सिक्वेंस बनाई है होपफुली ये सिक्वेंस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देगी स्टूडेंट्स मेरी नजर में दो चार मिनट इस डी टी का एक बार मैं पूरा पैकअप कर दूं कि व्हाट इज इज दिस दिस रिवीजन सेशन दिस रिवीजन सेशन एंड व्हाई सेशन हमें ऐसे लगता है कि स्टूडेंट्स बड़ा मासूम होता है उसको तो क्या पढ़ना है ये नहीं पता तो हम लोग एक एक करते तो हैं और फिर उसमें होम टास्क दे देते तो उसको तो चैप्टर पैक कराते हैं फिर बच्चा इतना मासूम है कि उसको तो ये भी नहीं पता कि अब रिविजन कैसे करना है और रिविजन में कितना पढ़ना है तो फिर उसको एक रिवीजन सेशन भी हम लोग हैंड होल्डिंग कॉन्सेप्ट में दे रहे हैं पहले एक बार वन पेज वन चैप्टर की जिस्ट निकाल और उसको पूरा पढ़ डाल उसके बाद एक ऑडियो रिकॉर्ड कर ले उसको पूरा पलट डाल ठीक टेड़, है वो भी आज अपने करेंगे फिर एक इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने सम्स दिए अपने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन वो कर डाल वो भी हम तुमको देंगे मतलब इस रिविजन सेशन में पूरा टैक्स हम आपको हैंड होल्डिंग कॉन्सेप्ट में वर्ड टू वर्ड कराएंगे। बस तुम इतना इतनी दुआ करो कि मेरा ये जो फीवर है ना ये बीच में ना आए ये रह रहते बीच में आ जाते कोई बात नहीं। अभी तो मुझे लगता है कि पैरासिटामोल जिंदाबाद अभी तो मुझे ये लगता है तो चलो लेट्स स्टार्ट सब रेडी है क्या किसी के मन में इस डीटी के रिवीजन सेशन को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें फाइन अरे हां बोल दो मुझे आश्चर्य हो रहा है तो बच्चे लाइव में आके बैठ गया है इन्हें मैं ग्यारह बजे तक आज बैठाऊंगा देखो इनके घर से कॉल आने वाले आज चलो अच्छी बात है भगवान करे कॉल ना आए तो ये वो इतना सा टॉपिक है मुट्ठी भर यू you नो know, इतना सा टॉपिक है बस इतो सा टॉपिक है ये बस इतो सा टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है ठीक है इसको तो थोड़ा सा एक एक करके दिखाता हूं लेट स्टार्ट लेके प्रभु का नाम थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई चाहिए हर तरफ से जो वहां पे बैठे सुन रहे हैं ऑनलाइन उनका भी एनर्जी लेवल हाई चाहिए ठीक है एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी लेवल फोकस होता है तो अपने आप हाई हो जाता है एनर्जी लेवल मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के एनर्जी मतलब डीप फोकस नहीं रहना चाहिए काम एक तरफ होना चाहिए दैट इज एनर्जी लेवल इज हाई फाइन स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन सेक्शन ट्वेंटी टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला सेक्शन सेक्शन ट्वेंटी टू ये बोल रहा है एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन प्रोपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन वापस से बोलू एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन अब टैक्स टेक कॉन्सेप्ट होता है दाना दाना थन के दाना दाना थनके मतलब आपको एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए तो पहला वर्ड उठाते क्या एनुअल वैल्यू व्हाट इज एनुअल वैल्यू तो एनुअल वैल्यू मतलब नोशनल इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन अदर वर्ड्स इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन अदर वर्ड्स अपॉर्चुनिटी इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन सिंपल वर्ड्स उस हाउस प्रॉपर्टी को यदि लेट आउट करते यदि करते प्रॉपरली तो कितने रुपए आते उस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीड बाई सॉट है इट मे और मे नॉट है कुछ लोग इस पर डिबेट करते हैं कि बिना रूफ का हाउस प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है इट इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी तो फिर हम इसको तो थोड़ा थो 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 सा और क्लियर कर देते हैं Residential house property must have a roof. But a commercial house property may be without roof. So, house property means land surrounded by sufficient wall. And it may or may not have roof. And any land appurtenant thereto. Yani, ye aptra land, ista ye portion surrounded by sufficient wall. Chalo roof bhi bana diya. And this part is, ट लैंड बट दिस वैकेंट लैंड इज अटैच टू अटी सो दिसर विल बी टर्म्ड एज हाउस पार्ट हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा लैंड सराउंडेड बाई सी लैंड अपर्टनेट यानी अटैच दर टू वापस आतेक्शन ट्वेंटी टू पढ़ रहे क्या पढ़ रहे एनुअल वैल्यू ऑफ अउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ओनर तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा आया ओनर इज ओनर तो ओनर मतलब ओनर मतलब ओनर ओनर मतलब लीगल ओनर और बेनिफिशियल ओनर लीगल ओनर मतलब वो जिसके नाम पर प्रॉपरली प्रॉपर्टी प्रॉपरली रजिस्टर्ड है लीगल ओनर मतलब जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है एंड बेनिफिशियल ओनर मीन्स बेनिफिशियल ओनर मीन्स अ पर्सन जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है बट ही इज एज गुड एज ओनर परंतु कुछ लीगल पेपर में कमी है डेफिशियंसी है हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी का मामला बहुत डिस्प्यूटेड रहता है बड़ी बड़ी मंजिलें गवर्नमेंट ऐसे गिरा देती है बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट राइट तो यदि किसी प्रॉपर्टी का आपने पैसा दे के खरीदा परंतु आपके टाइटल में कुछ डिस्प्यूट है डिबेट है डेफिशियंसी है तो फिर माना आप उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर लीगल ओनर तो नहीं है परंतु हम आपको बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर और पूरा इनकम टैक्स बेनिफिशियल ओनरशिप को रिकॉग्नाइज करता है जैसे पीजीबीपी टॉपिक में जाऊं तो वहां पे भी बोला हुआ है पॉटलेमेंट यू मस्ट बी द ओनर परंतु वहां पे भी ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर यानी वहां पे भी यदि आपकी टाइटल में थोड़ी बहुत डेफिशियंसी भी है तब भी हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करते अलाउ करते अगली बात आती है ओनर के नाम पे ये सपोज एक प्रॉपर्टी मैंने लीज पे लिया है मैंने एक प्रॉपर्टी लीज पे लिया है यानी मैंने उस प्रॉपर्टी को नाइनटी नाइन ईयर्स लीज पे ले लिया तो क्या मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं तो आंसर इज ओनर इंक्लूड्स फ्री होल्ड ओनर और लीज होल्ड ओनर तो यदि आप किसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ली लीज पे लेते हो तब भी आप उसके ओनर माने जाएंगे उसके बाद एक ओनर का एक्सेप्स है सेक्शन ट्वेंटी सेवन में वो अपने इस टॉपिक के एंड में करेंगे फाइन तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी सेक्शन ट्वेंटी टू हमने क्या किया एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रॉपर्टी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा आई रिपीट यदि प्रॉपर्टी अपने ही बिजनेस में यूज हो रहा है तो फिर वो पीजीबीपी हेड में जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज नहीं आती पहला वो प्रॉपर्टी जिससे आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो और वो प्रॉपर्टी जिसका आप बिजनेस करते हो लेट आउट का तो यदि आपका लेटिन आउट करने का बिजनेस ही है तो फिर वो पीजीबीपी हेड में जाएगा और यदि किसी प्रॉपर्टी में बैठ के आप बिजनेस कर रहे हो जैसे इस सेंटर में बैठ के मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये सेंटर यानी ये प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा ये पीजीबीपी हेड में जाएगा फाइन तो फाइनली तो आपने सेक्शन ट्वेंटी टू यानी टैक्स का इंट्रो सेक्शन कर लिया आपने किया एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इच taxable in hands of owner, provided property is not used for own business or profession. यहां तक कोई doubt है तो चैटबॉक्स में बताते जाना और live वाले बच्चे यहीं पर हाथों हाथ पूछते जाना ठीक है टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है तो चैट बॉक्स में आपकी कमेंट्री ऑल ओके ऑल ओके विल मेक यू लाइव मैं तो लाइव हुई, है ना तो फाइनली हमने किया सेक्शन ट्वेंटी टू आगे इस चार्ट में सारी बातें दी हुई है हाउस प्रॉपर्टी मीन्स लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल इट मे मे नॉट हैव रूफ एंड एनी लैंड देयर टू इसमें एनुअल वैल्यू की भी डेफिनेशन है एनुअल वैल्यू मीन्स इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ हाउस ओनली ओनर कैन बी टैक्स अंडर दिस हेड हेड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्सेस राइट सब लेटिन यू अंडरस्टैंड मैंने प्रॉपर्टी खरीदा प्रॉपर्टी तरीके किसी और को भाड़े पे दिया वो भाई साहब ने भी किसी और को भाड़े पे दिया तो जब टेनेंट प्रॉपर्टी लेट आउट करता है ना तो बोलते तो तो टेनेंट तो ओनर नहीं है ना इसलिए टेनेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा ठीक है इफ प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग योर बिजनेस तो ये माना जाएगा द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस आई रिपीट वेन द प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट इन योर बिजनेस तो हम माने दिए प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस एग्जाम्पल से समझो ऐसे कम समझ में आता है यह है मेरी फैक्ट्री यह है मेरी फैक्ट्री और यहां पे है मेरा एक बड़ा सा मकान जिसमें कोई 400 500 छोटे छोटे फ्लैट है 400 500 अब इस मकान को मैंने क्या किया अपने टेनेंट को भाड़े पे दे दिया अपने टेनेंट कौन अपने एम्प्लॉज को भाड़े पे दे दिया अपनी फैक्ट्री में तो 500 सौ एम्प्लॉय काम करते पाँच सौ एम्प्लॉय में से चार सौ एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया और हर एम्प्लॉज से मैं रेंट वसूल करता हूं कितना आठ हजार रुपया पर मंथ और ये आठ हजार पर मंथ ही उसका रेंट है मतलब मार्केट रेट भी वही है मतलब एम्प्लॉय को मैंने कोई सस्ता वस्ता नहीं दिया प्योरली उनके साथ धंधा किया।, किया है या मैंने अपने एम्प्लॉय को यह प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया परंतु एक खासियत है कि इस प्रॉपर्टी में से एक भी फ्लैट मैंने किसी आउटसाइडर को नहीं दिया मैंने बोल रहा है कि मेरे इस प्रॉपर्टी में सिर्फ सिर्फ एम्प्लॉय को भाड़े पे दूंगा और किसी को नहीं दूंगा अब इस प्रॉपर्टी से मेरे को आप समझते कितना रेंट आ रहा है चार सौ इंटू साल का इतना रुपया का रेंट आ रहा है अब आपको बताना ये जो मेरा इतना रुपया का रेंट आ रहा है ये पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी लाउड पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी एंड आंसर इज दिस विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड बी ये बोला जाएगा दिस प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट इन माई बिजनेस क्योंकि मेरी फैक्ट्री के अंदर जितने एम्प्लॉइज है यदि सब मेरे ही घर में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा उनके ऊपर डोमिनेशन है कंट्रोल है एंड दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुस्ट इन माई बिजनेस एंड टैक्सेबल अंडर दी जी बी पी आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई तो यदि आप अपने एम्प्लॉय से रेंट बटोरते हो ना तो भैया वो पीजीबीपी का मामला है हाउस प्रॉपर्टी का मामला नहीं है तो ये नोट यहाँ पे काम आ गया प्रॉपर्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट इन द बिजनेस देन सच प्रॉपर्टी आर डीम्ड टू बी यूज फॉर ओन बिजनेस इसी सिलसिले में दो तीन बातें और पूछ लू आप बताओ यदि मैं पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर हूं देखो यार स्पीड तो ऐसी रहेगी यहाँ क्योंकि डेढ़ घंटे में पूरा हाउस प्रॉपर्टी सल्टाना है तो स्पीड को लेते ज्यादा इरिटेट मतो फोकस करने से स्पीड अच्छी लगने लगेगी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सपोज आई एम अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और मैंने अपनी ऑफिस अपनी फर्म को भाड़े पे दे दी आई रिपीट मैंने अपनी ऑफिस अपनी ही फर्म को भाड़े पे दे दी अब फर्म मुझे देता रेंट आप बताओ ये जो मुझे रेंट मिल रहा है या ये प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस से आ रहा है या प्रॉपर्टी लेट आउट से आ रहा है मतलब पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी आई रिपीट माई क्वेश्चन आई हैवे प्रॉपर्टी आई लेट आउट द प्रॉपर्टी टू माई ओन पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें मैं और मेरा दोस्त पार्टनर है उसी को मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया इसको फर्म को और फर्म से मैं रेंट ले रहा हूं तो बताओ क्या माना जाएगा प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस उस फर्म का फिफ्टी परसेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे को तो जाता है सिक्सटी परसेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे को तो जाता है बताओ बताओ क्या पीजीबीपी -पी या हाउस प्रॉपर्टी लाउडर लाउडर इन पास ऐसा पढ़ने आए हो बोलो देखने नहीं आए माहौल देख लिया चलो बाद में देख लेना

इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है फर्म के हाथ में वो अलाउड एक्सपेंडिचर माना जाएगा और मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आएगी सब क्लियर है क्या पक्का क्लियर चलो 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 आगे बढ़े फिर हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में यहां तक सबको सब क्लियर तो बहुत ही अच्छी बात ये कौन सा टच तो हम लोग आ आगे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन याद करने के लिए करा रहा हूँ ट्वेंटी थ्री वन लेटआउट हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ट्वेंटी थ्री टू ए अनऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ट्वेंटी थ्री टू बी पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ट्वेंटी थ्री थ्री एंड डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ट्वेंटी थ्री फोर इस तरीके से अभी हम लोग चार हाउस प्रॉपर्टी को हैंडल करने वाले चार के पांच पांच कौन कौन से पांच लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड अनऑक्युपाइड पी एंड डीम टू बी लेट आउट सबसे पहले कौन सा उठा रहे हैं सबसे पहले उठा रहे हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी आई होप व्यू इज नॉट ब्लर होना चाहिए हाँ, सर एकदम क्लियर है मस्त तो हम लोग कर रहे हैं लेट आउट हाउस एक फॉर्मेट बेस्ड है इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने का है, इसमें फॉर्मेट लगाने का है। वॉट इज द फॉर्मेट सबसे पहले निकालिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसमें से लेस करिए टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू से डिडक्शन दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करिए तो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है तो सबसे पहले करते हैं हाउ टू कंप्यूट जीएवी तो दो भैया जीएवी निकालने का ये तरीका है नंबर फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट आर ई आर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इससे आपका इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलता है ठीक है यार कौन माइंड रहता है तो कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट वट एवर यू से वॉट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इट इज हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ रेंट लेट मी रेक्टिफाई इट इट इज हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू ऑफ येंट वट इज ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू इट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड ये yeah, आप किसी भी म्यूनिस्पालिटी के बिल में जो म्यूनिस्पल टैक्स का बिल आता है उसमें आप टॉप पे देख लेना है एनुअल वैल्यू तो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर म्यूनसिपालिटी रिकॉर्ड इज नोन एज ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर फेयर रेंट फेयर रेंट इज द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकलिटी वट इज फेयर रेंट

हावड़ा की म्युनिसपालिटी का तो यह हालत है लिटरली पूरे इंडिया की का ये हालत है ये प्रॉपर्टी की तो इज्जत ही नहीं करते हम सब तो बोलते आदमी आदमी में डिफरेंस समझो यार माना सब आदमी बराबर है लेकिन फिर भी बिहेव करते समय आदमी और आदमी में डिफरेंस होता है नहीं तो फिर सभी आदमी तो एक ही पैंतीस दो ना चालीस लाख का है ना लेकिन देन वी डिफरेंशिएट ना यार ये अलग आदमी ये अलग आदमी है लेकिन हमारी म्युनसिपैलिटी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में डिफरेंस करना नहीं जानती ऐसी बचपना है इनके अंदर कि एक एरिया में जितने भी मकान खड़े हैं उन सब की ये एनुअल वैल्यू स्क्वायर वाइज सेम ही मानती है मतलब सपोज बाजू में गोकुल धाम सोसाइटी और यहाँ पे है हरे राम सोसाइटी अब गोकुल धाम सोसाइटी इतनी पॉपुलर टीवी में उसके ऊपर तो सीरियल आए हुए हैं और यहाँ पे हरे राम सोसाइटी जो नॉर्मल सोसाइटी हा गोतुल धाम सोसाइटी में सारे अच्छे लोग रहते हैं क्या प्रेम भाव है उनमें और क्या अच्छी खेलने की स्पेस है टिकट तो वहां पे जो प्रॉपर्टी का रेट होना चाहिए और ये हरे राम सोसाइटी जो एक नॉर्मल सा स्टैंड लोन बिल्डिंग है तो दोनों में एक ही एनुअल वैल्यू होगी क्या नहीं लेकिन हमारा म्युनिसपालिटी बोलता है दोनों एक ही एरिया में है हाँ दोनों में लिफ्ट है हाँ दोनों में मार्बल है हाँ दोनों में कार पार्किंग है हाँ तो फिर एनुअल वैल्यू एक ही होगी दैट इज द प्रॉब्लम विद द एनुअल वैल्यू डिटरमाइंड म्यूनिसपालिटी तो यह ऐसी तो खा भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते तो हमने क्या तो किया ना खाया न छोड़ा वैल्यू ये नहीं होगा लेकिन एनुअल वैल्यू निकालते समय इसको तो ध्यान रहा जाएगा तो सबसे पहला स्टेप जो एनुअल वैल्यू का है कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्रॉस म्युनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच ए परिच हाई अब सर ये तो समझ में आ गया कि फेयर रेंट को तो क्यों घुसा लेकिन ये बताइए व्हाट इज फेयर सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकैलिटी अब आप देख लो सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब इस बार गोकुल धाम सोसाइटी और हरे राम सोसाइटी एक साथ ट्रीट नहीं की जाएगी बिकॉज बोथ आर नॉट सिमिलर प्रॉपर्टी अब गोकुल धाम सोसाइटी के यदि किसी फ्लैट का एनुअल वैल्यू निकालना है सॉरी फेयर एंड निकालना है तो गोकुल धाम सोसायटी के दूसरे फ्लैट से उसको तो कंपेयर करो यदि फ्लैट का साइज सेम है तो, तो सपोज टोटल तो सोसाइटी में तीन रूम का फ्लैट अभी चालीस हजार पर मंथ में बिता है मतलब भाड़े पे लगा है तो उस प्रॉपर्टी के तीन रूम के फ्लैट का एनुअल वैल्यू चालीस हजार पर मंथ यानी साल का मोटा मोटी पांच लाख रेंट माना जाएगा बात समझ में आई क्या रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी और सेम लोकलिटी तो फेयर रेंट और क्रॉस म्यूनिसपल वैल्यू विच एवर इज हायर दैट विल बी टर्म एज वॉट आरई आर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बट टू बी नोटेड बीच में एक और झमेला आ गया कि आरई आर कैनोट एक्सीड स्टैंड रेंट क्वेश्चन आता है ये rent क्या तो स्टैंडरेंट इज द रेंट एज पर स्टैंडरेंट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट वट इज रेंट कंट्रोल एक्ट रेंट कंट्रोल एक्ट जब तुम्हारा और मेरा लैंडलॉर्ड और टेनेंट का डिस्प्यूट होगा तो बताओ लैंडलॉर्ड बोलेगा इतना रेंट में लूंगा नहीं और टेनेंट बोलता इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं तो बताओ फिर रेंट कहां जाएगा लैंडलॉर्ड बोले मैं हाथ नहीं लगाऊंगा अपना लिफाफा पकड़ ले मैं नहीं छूने वाला तो बोला भाई साहब इससे मैं दूंगा नहीं लेना ही पड़ेगा आपको बोला मैं लूंगा ही नहीं तो फिर बंदा रेंट कहां दे कहा वो तो ले नहीं रहा है और ज्यादा दिन तक रेंट यदि पहुंचा नहीं ना तो मैं बता दू टेनेंट भाई साहब वो पुलिस में एफ कर देगा मेरे तो रेंट नहीं दे रहा आपको परेशानी हो जाएगी इसलिए सभी समझदार टेनेंट लैंडलॉर्ड को बोलते तेरे को रेंट लेना पड़ेगा और यदि वो डिनाई करता है तो हम लोग रेंट कंट्रोल एक्ट में जाके पैसा जमा करके आ जाते हैं भाई देखो हम तो देने के लिए रेडी है नहीं तो कल लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा लैंडलॉर्ड बोलेगा टेनेंट तो दिवालिया है मेरा रेंट ही नहीं दे पाता प्रॉपर्टी खाली करवाई है तब कौन प्रूफ करेगा कि आई टेंडर्ड कौन प्रूफ करेगा कैसे प्रूफ करेगा तो चूल्हे में जाए तू लेता तो पचर नहीं तो मैं रेरा में पैसा जाते जमा कर दूंगा

एनी हाउ कोई भी सूरत पे स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा एक्सपेक्टेड रेंट माना ही नहीं जा सकता तो आई होप आपको जीएवी का फर्स्ट स्टैप आर विजिक के साथ समझ माया। अब गया, साथ में आया अब लॉजिक गया क्या म्यूनिपल वैल्यू ऑफ फेयर एंड एंड द एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंड बात क्लियर बात क्लियर इसके ऊपर आप जितने चाहे सब क्लियर है मोटा मोटी आई होप सबको क्लियर ही है फिर भी नो तभी तभी सौ म्यूनसिपल वैल्यू दस लाख वेयर एंड आठ लाख एंड नौ लाख तो बताओ जी अभी रहा है आर क्या हो रहा बताओ बताओ आरियार क्या हो रहा आरियार बताओ बटा बट टाइम नहीं है नौ लाख आ गया ला? दस लाख अठारह लाख और ये लाख अब बताओ आर यार क्या हो रहा बताओ अरे बताओ यार दिस इज हायर ऑफ द टू दिस इज हायर ऑफ द टू अट्ठारह लाख लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए सोलह आई होप सबको क्लियर इस टाइम पास तो हटा देते अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा है कि सब म्युनिसपल वैल्यू या ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू तो बेटा ग्रॉस म्यूनिसपल वैल्यू तो ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू और म्यूनिसपल वैल्यू में क्या अंतर है बेटा सिर्फ म्युनिसपल वैल्यू बोलते हैं ना तो वो होता है नेट म्युनसिपल और ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू और नेट म्यूनिस्पल वैल्यू में थोड़ा अंतर होता है यदि आपकी प्रॉपर्टी नॉन मेट्रो सिटी में है ना यदि आपकी प्रॉपर्टी नॉन मेट्रो सिटी में है था, तब तो नो डिफरेंस दोनों तो एक ही चीज़ है लेकिन यदि आपकी प्रॉपर्टी मेट्रो सिटी में है ना तो डिफरेंस ये है कि इन दोनों में एक रिलेशन है और वो रिलेशन है 90% परसेंट ऑफ इज ट्वेल्व टू एन एम वी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स प्लस एनी टैक्स चार्ज बाई द म्यूनिसपैलिटी अदर देन म्यूनिसपल टैक्स तो ये रिलेशन हमें कई बार अप्लाई करना पड़ता है यदि नेट प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो जीएमबी निकाल लेते लिए और जीएमबी दिया हुआ है तो एन एम बी निकाल लेते परंतु आई रिमाइंड ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन मेट्रो सिटी यदि प्रॉपर्टी नॉन मेट्रो सिटी में है तब तो फिर से बोल दू नो डिफरेंस बात क्लियर बात क्लियर चलो फाइन इन सबको हम लोग यूज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में अभी आगे बढ़ जाओ तो आपने आर ई आर निकालना सीख लिया आर इज हायर ऑफ म्यूनिस्पल वैल्यू ऑफ एयर रेंट बट आर कैन नॉट एक्सीड स्टैंड रेंट दिया अब अगला स्टेप आता है कैलकुलेट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अन रेंट अब प्रश्न आता है एक्चुअल रेंट रिसबल क्या होता है एक्चुअल रेंट रिसबल मतलब जितना रेंट बनता है फिर भी एक बात समझ लो एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट पर मंथ माइनस कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज आई रिपीट रेंट पर मंथ माइनस कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी लेट आउट नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी लेट आउट तो जितना रेंट है उसमें से कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज माइनस करिए या इधर नेट रेंट और नेट रेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज क्या होता है तुम्हारा डाउट तो कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज मतलब जो वेरियस फैसिलिटीज आप अपने टेनेंट को देते हो इन एसोसिएशन विथ योर फ्लैट जैसे लिफ्ट मेंटेनेंस आप देते हो तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज गार्डन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दरबान देिटी दे पानी वाटर सप्लाई कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज तो जितनी भी आप सेवरल छोटी छोटी हाउस प्रॉपर्टी में रहने के लायक बनाने के लिए जो जो फैसिलिटीज देते हो ना ऑल आर नोन एज कॉस्ट ऑफ एम्यूनिटीज तो ये रेंट में से माइनस करिए और नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट से मल्टीप्लाई करिए यह आएगा क्या ए आर आर ठीक है आर आर अब इस ए आर आर में से आप माइनस करिए रेंट. रेंट को आप मोटी भाषा में क्या बोल सकते हो बैड मतलब रेंट अच्छा कैसे मालूम पड़ेगा बताओ बताओ मेरा रेंट डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है कैसे मालूम पड़ेगा? पड़ेगा मेरा टेनेंट मेरे को रेंट नहीं दिया क्या मैं उसको अनर क्या हा? मेरा रेंट में रेंट नहीं दिया दो महीना हुआ है रेंट नहीं दिया मैं उसको रेंट बोल दू क्या बोलो बोलो फटाफट एंड आंसर इज कंडीशन फॉर रेंट एग्जाम में पूछता है ये थ्योरी आप याद कर लो ठीक है क्या क्या कंडीशन है पहली बात टेनेंसी एग्रीमेंट मस्ट भी बोना ये तो फर्जी कंडीशन है नंबर टू ऑल रीजनेबल स्टेप्स है

of it tenancy agreement is bona fide all reasonable steps have been taken to recover the rent all reasonable steps have been taken to that property vacated defaulted tenant is not occupying any other property of the SSC चोर के साथ कोई रिश्ता नहीं चल हो दिया तो ये यदि चारों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दो तो अन्ट माना चाहिए समय ये थ्योरी काम नहीं आती है लगते समय डायरेक्टली वो लोग बोल देते rent, हम लोग मान लेते हैं चारो कंडीशन सेटिस थोड़ी अलग से पूछता इसलिए रटवाया ठीक है तो, तो ये हो गया हमारा ए आर आर माइनस यू आर और इन दोनों में से जो हायर है ना उसको बोलेंगे जी ए वी क्रॉस एनुअल वैल्यू आई डोंट थिंक कि यहां पे तो सम की दरकार है लेकिन मैं यहां के बाद एक स्टेप और कराऊंगा फिर एक सम कराऊंगा और वो स्टेप है ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड यदि आपकी प्रॉपर्टी थोड़े दिन वैकेंट है तो फिर क्या करें? यदि आपकी प्रॉपर्टी थोड़े दिन वैकेंट है तो क्या करें तो हमारा लॉ बोलता है कि बस वैकेंसी के कारण यदि तुम्हारा एआरआर कम हो गया है तब तो हम वैकेंसी को कंसिडर करते हैं और नहीं तो वैकेंसी भूल जाओ क्या वैकेंसी के कारण यदि तुम्हारा ए कम हो गया है नहीं नहीं वैकेंसी के कारण यदि तुम्हारा ए ज्यादा हो गया है तब तो हम वैकेंसी वापस तो... से बोलता हूं वैकेंसी के कारण यदि तुम्हारा ए कम हो गया है कम की ज्यादा यदि वैकेंसी के कारण इफ द स्टेप टू इज लेस देन वन बिकॉज ऑफ वैकेंसी देन द स्टेप टू विल बी दी अदरवाइज इग्नोर वैकेंसी तो इफ स्टेप टू वापस बोलू इफ स्टेप टू स्टेप टू क्या था ए आर आर माइनस यू आर इज लेस देन स्टेप वन ड्यू टू वैकेंसी देन स्टेप टू विल बी कंसिडर्ड एज जीएवी अदरवाइज वैकेंसी का कोई रोल नहीं है सर ये बात ही तो समझ में नहीं आती बार बार अच्छा तो कोई तो तो बात नहीं आज समझ में आ जाए और बनाते हैं आपको दिया हुआ म्यूनिस्पल वैल्यू दस लाख एट मिनट टाइम दो तो स्क्रीन ठीक कर लू यार ले लो सर टाइम ले लो नहीं एक मिनट टाइम दो तो स्क्रीन ठीक कर लो बस और क्या है तो आपको दिया हुआ म्यूनिसिपल वैल्यू दस लाख आपको दिया हुआ फेयर एंड बारह लाख आपको दिया हुआ स्टैंडर्ड रेंट साथ में हो हाँ हाँ अट्ठारह लाख आई होप आपका आरिया आपको दिया हुआ रेंट पर मंथ दो लाख आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज पर मंथ बीस हजार आपको दिया हुआ वे है वैकेंसी वे पीरियड थ्री मंथ आपसे पूछा जा रहा है आ, फाइंड जीएवी तो हमने पहले ये पूछा या आप हमें ये बता दो प्रॉपर्टी है कहा क्योंकि आपने म्युनसिपल वैल्यू दे रहा है खाली म्युनसिपल वैल्यू मतलब नेट म्युनसिपल वैल्यू मुझे ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू भी चाहिए तो वो बोला बस इतना ही दिया हुआ है यदि इतना ही दिया हुआ है तो हम लोग ये मान लेंगे प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन नॉन मेट्रो सिटी यानी जीएम वी एन एम बी तक कोई लफड़ा नहीं है जीएम बी एन एम बी तक कोई लफड़ा नहीं है तो इन तीन को देख के बताओ आर ई आर क्या होगा सर इन तीन को देख के बताए आर ई आर होगा बारह लाख अब बताओ ए आर आर कितना होगा सर ए आर आर इक्वल टू रेंट माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी लेट आउट तो भैया यदि प्रॉपर्टी तीन महीना वैकेंट है तो ऑब्वियसली नौ महीने लेट आउट है तो एक लाख अस्सी हजार इंटू नौ बता दो तो ये आ गया सर सोलह लाख बीस हजार अब बताओ क्या स्टेप टू स्टेप वन से वैकेंसी के कारण कम है पर ये तो कम ही नहीं है ये तो कम ही नहीं है चाहे बात कर रहे हैं तो फिर वैकेंसी भूल जाओ मतलब जब तुमको कोई दुख ही नहीं है तो फिर चाहे आए हो वैकेंसी का इफेक्ट आता है इसको पर ये तो ऑलरेडी ज्यादा है तो बस ठीक है माता पच्ची मत करो यदि तुम्हें लगता है कि वैकेंसी के कारण इसको कमी हो रही है तुम आता पच्चीस करना सपोज ये फेयर रेंट यहां पे मैं बारह लाख की जगह चौबीस लाख कर तो आपका चेंज क्या आएगा यहां पे आर ई आर हो जाएगा अठारह लाख वाह अब आप देखिए स्टेप टू या स्टेप वन से वैकेंसी के कारण कम है क्या तो आपको नजर आ रहा है यस स्टेप टू स्टेप वन से कम है और ऑब्वियसली वैकेंसी के कारण कम है यहाँ पे नौ की जगह बारह करिए मालूम पड़ेगा नौ की जगह बारह करिए मालूम पड़ेगा तो लॉ ये बोलता है कि भैया सुनो ध्यान से सुनना नौ की जगह बारह मत कर देना एग्जाम में दिस इज द कॉमन एरर वॉट वी डू दो लाख क्या है ये रेंट बीस हजार रुपया क्या है कॉस्ट ऑफ ये आया आपका नेट रेंट एक लाख अस्सी हजार चलो यहाँ पे तो बारह से करी दो कोई बात नहीं है एक लाख अस्सी हजार इंटू बारह की तो ये आ गया इक्कीस लाख साठ ,00 हजार यानी वैकेंसी नहीं होता तो ये इक्कीस लाख साठ हजार अब आप लॉ वापस अप्लाई करिए इफ स्टेप टू इज लेस देन स्टेप वन ड्यू टू वैकेंसी देन द स्टेप टू विल बी द जी तो यहां पे जी क्या हो गया सोलह लाख बीस हजार आई होप ये बात क्लियर यदि यह बात कम क्लियर है तो मैं एक बात दूसरे तरीके से समझाता हूं हाँ मैं इस बात दोबारा दूसरे तरीके से समझाता हूं कई तरीके से समझाया जा सकता है वापस से, सेम डेटा सेम डेटा ओके ठीक इसी नहीं सेम डेटा तो आई होप यहां पे आरई आर अट्ठारह लाख आया इसमें कोई डाउट नहीं है और अभी तक ए आर आर एआरआर ये आया सिक्सटीन पॉइंट टू लैख इसमें भी कोई डाउट नहीं है से जो हायर है वो भी एक बार मान लो लेकिन फिर चेक करो कि क्या स्टेप टू स्टेप वन से वैकेंसी के कारण हम तो लोग ऐसे बोलते हैं बच्चों को समझाने के लिए कुछ बच्चे टच जाते हैं तो उन्होंने समझाते बेटा ये है रानी रोय ठीक है और यह है ऐश्वर्या रॉय हा दोनों का एक कॉन्टेस्ट हो रहा है गली अनारि वोटेड हाँ? और गली जिसके पास ज्यादा वोट होगा वो बनेगा गली रॉय लेकिन, लेकिन हमारी ऐश्वर्या रॉय रानी रॉय ऐश्वर्या रॉय में भी प्रेफर हमारी ऐश्वर्य रॉय बंगाल से है तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं हमारी ऐश्वर्य रॉय भले अब अभिषेक बच्चन की हो लेकिन यू नो बंगाल की है तो हमारी ऐश्वर्य तो हमारी ऐश्वर्या रॉय यदि रानी रॉय से वीपी के कारण हार रही है वीपी मतलब वोट प्रोफेशनल वोट प्रोफेशनल के कारण हार रही है तो हम लोग बना देंगे हमारी ऐश्वर्या रॉय को गली अनारतली वोटेड तो हमने देखा कि भैया देखो हमारी ऐश्वर्या रॉय रह हार रही है लेकिन इस समय वीपी है मतलब क्या ये वीपी के कारण हार रही है ये चेक करना है तो मालूम पड़ा नाइन मंथ का रेंट आया सिक्सटीन पॉइंट टू तो बारह महीने का रेंट कितना आता यानी वीपी नहीं होता वोट प्रोफेशन सॉरी वैकेंसी प्रियट नहीं होता तो फिर हमारी ऐश्वर्या रॉय को कितने वोट मिलते तो नौ का रेंट आया सिक्सटीन पॉइंट टू तो बारह का कितना तो आएगा यूनिटरी मैथड यूनिटरी मैथड नौ महीने का रेंट सोलह लाख बीस हजार तो बारह महीने का रेंट सोलह पॉइंट दो डिवाइड बाई नौ इंटू बारह या ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स हा तो हमने देखा कि हमारी ऐश्वर्या रॉय रानी रॉय से वीपी के कारण हार रही है इन दैट केस ऐश्वर्य रॉय विल बी द गली अनार्कली वोटेड तो बताओ गली अनारकली वोटेड कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आ गया क्या यदि आ गया तो अदला समझ करो वर्चुअल वालों फटाफट पत बताओ गली अनारकली वोटेड कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या रैनी रॉय ऐश्वर्य रॉय अदला चेक करो म्युनिसपल वैल्यू है बीस लाख रेंट है इक्कीस लाख स्टैंडर्ड रेंट है ट्वेंटी फाइव लाख रेंट पर मंथ है तीन लाख पर मंथ तीन लाख एमेनिटीज के हमने टेनेंट को कुछ दिया नहीं की प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है एमेनिटीज बोल के हम लोग टेनेंट को कुछ नहीं देते आप ताला खोल रह ले अपना लाइट लगा पीरियड है इसमें छ महीना और अनरियलाइज रेंट है यानी टेनेंट बिना रेंट दिए भाग गया ऑब्वियसली हवड़ा का प्रॉपर्टी है तो टेनेंट बिना रेंट दिए भाग गया ये आया मोटा मोटी बारह लाख रुपया ऐसे में आपसे पूछा जा रहा है प्रॉपर्टी कहां क्या है हावड़ा क्या है तो बताओ एनएमवी करना है क्या लाउडर हावड़ा तुम्हें मेट्रो सिटी नजर आ रहा है हावड़ा में भी मेट्रो रेल चलने लग गया अरे हावड़ा में मेट्रो रेल चलने लग गया उससे कोई तो मतलब नहीं है इट इज नॉन मेट्रो सिटी ओवर तो फाइनली हमारा आर आया इस समय इक्कीस लाख और ए आया सिंस तीन लाख रुपया रेंट है वैकेंसी पीरियड छह महीना है तो छह महीना प्रॉपर्टी खाली थी छह महीना आउट थी तो जितने महीने प्रॉपर्टी आउट थी वो देखो तो ए आर आर आध्या अट्ठारह लाख माइनस अनर रेंट बारह लाख तो जी अभी क्या होता तो पहले ये चेक करो कि क्या ऐश्वर्या रॉय रानी रॉय से कम है आंसर है जी यस कम है यहां पर अब चेक करो क्या ये वैकेंसी के कारण कम है क्या ये वैकेंसी के कारण कम है चेक करो यदि वैकेंसी नहीं होता तो यहां पे कितना होता वैकेंसी नहीं होता तो यहां पे कितना होता वैकेंसी नहीं होता तो ये तीन इंटू बारह छत्तीस लाख हो जाता वैकेंसी नहीं होता तो ये तीन इंटू बारह छत्तीस आ जाता माइनस रेंट यहां पे वो मत कर देना कि छह महीने का नेट रेंट है छह लाख तो बारह महीने का रेंट कितना होगा वो मत कर देना दैट इज द कॉमन एरर व्हाट वी डू यहां पे आपको करना है कि एक महीने का रेंट है तीन लाख तो बारह महीने का रेंट हुआ छत्तीस लाख माइनस रेंट अन्रेलाग रेंट को उतना ही रखना वो प्रोपोर्शनेटली मत बढ़ाना तो हमें समझ में आ गया कि ऐश्वर्या रॉय इज लेस देन रानी रॉय बिकॉज ऑफ वैकेंसी वैकेंसी नहीं होता तो हमारी ऐश्वर्या जी के पास ज्यादा वोट होते तो ऐसे में गली अनारकअली वोटेड कौन बनेगा ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या राय बोले तो कितना रुपया नहीं छह लाख क्योंकि स्टेप टू तो ओरिजिनल वैल्यू तो छह लाख ही था ना तो गली अनारकअली वोटेड बनेगी छह लाख हमारा गली अनारकली वोटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा थोड़ा सा ऑड हो जा रहा है सर हमारी बताते हुए बता दो फटाफट 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 बच्चे बोल रहे ऑल ओके okay. बच्चे बोल रहे हैं क्या ये सी एम ए के बच्चे भी रिकाप कर सकते हैं क्या यार ये जाति प्रथा मत लाओ ये सी ए सी एम ए ये सी एस भैया मैं ये ही को जानता हूँ मेरा एक ही तत्व है टैक्स और ये अच्छी क्लास हो रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो जिन जिन के सिलेबस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उन सब के लिए वाइटल क्लास है ये बहुत ज्यादा वाइटल क्लास है उन सब के लिए जिन जिन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिलेबस में है चलो फाइन ऐसा पढ़ा मैं तो इसलिए अपने चार्ट से पढ़ा रहा हूं यार कि वन पेज वन चार्ट इसको तो पलटते जाओ काम हो जाएगा ये सबके लिए है जे भी हो गया हाँ एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। लोगों को तो समझ में आने लग जाता है तो लोग नाचने लग जाते हैं एक सम और देख लेते इसको तो ऊपर हाँ, आपको समय दिया हुआ है अच्छा अच्छा, अच्छा, एक्स कंस्ट्रक्टेड अ प्रॉपर्टी एक्स कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इन कोलकाता एज ऑन वन सेवन ट्वेंटी टू ठीक है वे दिया हुआ है म्यूनिशिपल वैल्यू पर एनम चौबीस लाख पेयर एंड पर एनम पच्चीस लाख स्टैंडर्ड एंड एन एम थर्टी टू प्रॉपर्टी लेट आउट ऑन वन एट ट्वेंटी टू सात में रहना एट द रेट एट द रेट थ्री लाख पर मंथ कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ फाइंड जी ये सब साथ में हो क्या सब साथ में हो ना एंड एंड टेनेंट वेकेटेड प्रॉपर्टी वेकेटेड प्रॉपर्टी ऑन अरे बोलो खाली किया ऑन फर्स्ट मार्च विदाउट पेइंग लास्ट मंथ रेंट फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री विदाउट पेइंग लास्ट मंथ रहेंट साथ में हो हां सर समझ में आ रहा लेकिन हो सके तो ब्लैक पेन यूज करिए लाल पेन थोड़ा धुंधला रहता है अच्छा ठीक है क्लियर तो है यहां तक क्लियर है ओके तो इस सब सबसे पहले बताओ कहां से स्टार्ट करें बताओ कहां से स्टार्ट करें निकालना चाहिए भी है फाइन भी हाँ निकालना शुरू करेंगे ग्रॉस म्युनिसपल वैल्यू जो कि सम का वन ऑफ द फैक्टर है कोलकाता का, का प्रॉपर्टी तो ग्रॉस म्युनसिपल वैल्यू का रिलेशन तुम्हें पता है क्या नाइनटी परसेंट ऑफ जी एम वी इज्क्ल टू एन एम वी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स सब साथ में हाँ सर सब, सब साथ में नाइनटी परसेंट ऑफ जी एम वी तो जी एम बी पता है क्या खाली म्यूनसिपल वैल्यू बोले तो क्या मानू नेट म्युनसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू नेट म्युनसिपल वैल्यू तो फाइनली चौबीस लाख वाटर टैच सब है नहीं स्योरेज टैच सब है नहीं तो चौबीस लाख डिवाइडेड बाई नाइन्टी परसेंट कितना यार ट्वेंटी एट पॉइंट एट 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 ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन 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 तो बताओ यार तो चलो ट्वेंटी सिक्स पर डन करो यार खत्म करो बात ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स 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 हो गया हमारा जी एम बी यहां तक क्लियर यहां तक अब बताओ अदला कहां से स्टार्ट करोगे अदला बताओ बताओ अदला खास बात है अरे बताओ बताओ अदला क्या खास बात है कहां से स्टार्ट करूं दोहत कोई नहीं बता रहा है कोई नहीं बता रहा है बताओ बताओ कहां से स्टार्ट करूं एंड आंसर इज नाइन मंथ्स का समय है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नाइन जिसमें प्रीवियस ईयर नौ महीने का है जो कि प्रॉपर्टी वन सेवन ट्वेंटी टू को कंस्ट्रक्ट हुआ है तो अब प्रीवियस ईयर स्टार्ट वेन द सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट सेक्शन थ्री देयरफॉर यहाँ पे प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है एथ सात से एंड होता है थर्टी फर्स्ट मार्च सो हियर द प्रीवियस ईयर इज नॉट अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व इट इज अ पीरियड ऑफ नाइन मंथ तो सारे डेटा तो मुझे नाइन मंथ में लाना पड़ेगा so, तो अकॉर्डिंगली मेरी ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू जो कि है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन लेकिन ये तो बारह महीने का है इसको नौ महीने में लाओ श्योर तो भाई देख मेरा इतना अच्छा मैथ्स नहीं है बता दे चिट मत करो मेरे साथ तो सर कैलकुलेटर आप ही निकालिए लो मैं निकाल लेता तो। हूँ 26.67 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 9. तो ये आदि अपना 20 लाख 20 लाख फेयर रेंट कितना है सब फेयर रेंट है 25 लाख तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 इनटू 9. 18.75. और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 32 लाख. इसको भी नौ महीने में ले आओ थर्टी टू लाख डिवाइड बाई ट इंटू नाइन इक्वल टू ये आएगा चौबीस लाख देखो ये तीन बार करने की जगह हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले गिवन डेटा से देखो आर आर क्या यहाँ पे सर आर आर आया बीस लाख हा तो ऐसा तीन बार करने की जगह नौ बाई बारह नौ बाई बारह नौ बाई बारह बार तीन बार करना पड़ा इसकी जगह आप पहले इस ऑब्वियस डेटा से एब्सोल्यूट डेटा से कौन सा एब्सोल्यूट डेटा जीएम है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन पेयर रेंट है पच्चीस और स्टैंडर्ड रेंट है बत्तीस पहले आप इससे आरईआर निकाल लो सर आरई आर आया छब्बीस तो बस एक ही बार करो ना छब्बीस पॉइंट सिक्स सेवन इंटू नाइन बाई ट्वेल्व तो तीन बार करने की जगह एक बार में काम हो जाता आंसर वही आएगा आरईआर बीस लाख अब ए आर आर बताओ कितना रेंट कितना है रेंट पर मंथ तो सर रेंट है तीन लाख माइनस कॉस्ट तो ऑफ एम्यूनिटीज ढाई लाख तो ए आर आर तीन लाख माइनस पचास हजार अब बताओ कितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट हुई कितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट हुई फास्ट एंड लाउडर कितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट हुई कितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट हुई रिपीट कितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट हुई सात महीने नौ महीने का पीरियड था बोलो तो हाँ प्रॉपर्टी तो, कंस्ट्रक्ट हुआ एक सात को लेट आउट कब हुआ एक आठ वहां पे एक महीना चला दिया हाथ से ऑपर से टेनेंट एक मार्च से तो खाली करते चला दिया तो मार्च खाली जुला, जुलाई खाली तो नौ में से दो महीने प्रॉपर्टी खाली है तो सात महीने लेट आउट हुआ यार ढाई लाख इंटू सात कितना हुआ ट्वेंटी टू पॉइंट तो भैया जीए भी जा रहा है अच्छा रेंट भी है हाँ सर रेंट कितना है ए आर आर हो गया सेवनटीन पॉइंट फाइव और अनरलाइज रेंट हो गया टेनेंट लेफ्ट प्रॉपर्टी विदाउट पेन लास्ट मंथ रेंट तो टेनेंट ने पिछले महीने का रेंट दिए बिना भाग दिया तो टू पॉइंट फाइव रेंट दिए बिना भाग दिया तो पंद्रह लाख आ गया मेरा ए आर आर माइनस अनरियलाइज रेंट ठीक है अब ये भी क्या होता इन दोनों में से जो हायर लेकिन क्या स्टेप टू स्टेप वन से वैकेंसी के कारण का क्या मैं क्या ये बात चेक कर लो सर वैकेंसी नहीं होता ना तो यहां पे ढाई लाख इंटू नौ महीने प्रॉपर्टी लेट आउट होता तो ये आता 22.5 और उसमें से यदि अनरलाइज रेंट हटा देना तो ये आ जाता जस्ट इक्वल अब बच्चों ध्यान रखना यदि जस्ट इक्वल हो जाए तो वो वर्ड काम आएगा हमारी ऐश्वर्या जी तब तो वो वर्ड काम आएगा हमारी ऐश्वर्या जी यानी यदि इक्वल हो जाए तो हम लोग बायस होके जीए भी बना देंगे हमारी ऐश्वर्या जी को तो जब वैकेंसी का इंपैक्ट हटा के भी दोनों इक्वल आ जाए तो तुम्हें वो वर्ड याद आना चाहिए मेरा वाला कौन सा हमारी ऐश्वर्या जी तो करेक्टर का सम नहीं है वो टैच का सम है ठीक है तो टैच का समय टैच का वर्ड है कि दोनों इक्वल हो जाए तो ए आर आर विल बी है प्रिविलेज ए आर आर विल बी टेटन है पंद्रह लाख रुपए बड़ा प्यारा था किसी को कॉपी मारना है तो कॉपी मार लो किसी को फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो आंसर है पंद्रह लाख घर में चाहो तो दोबारा प्यार से इतमिन से बना लेना और यदि हो गया तो फिर ठीक है कुछ मत करो इफ यू आर श्योर कि आपका हो गया कुछ मत करो फाइन छोड़ दो पूरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में है ही क्या जीएबी सिखाना और है क्या तो जीएबी हमने कर लिया अब हम लोग एक बार अभी तक जितना किया उतना रिवाइंड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट किया टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से और 22 में हमने पहले पढ़ा एक बुलडोजर सेंटेंस एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर इफ द प्रॉपर्टी इज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन इस सेक्शन को हम लोग बुलडोजर सेक्शन बोलते हैं बिकॉज पूरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी नोशनल इनकम को टैक्स करते पूरे इनकम टैक्स में एक्चुअल इनकम पे टैक्स होता है जैसे आप जॉब कर रहे थे आपका पैकेज था चालीस लाख का अचानक आपका जॉब समझ में नहीं आया बॉस से पंद्रह हो गया आपने छोड़ दिया अभी आपको कोई दूसरी कंपनी नहीं, नहीं मिल रही तो आपने बारह लाख का जॉब पकड़ लिया तो इनकम टैक्स आपको चालीस लाख पे टैक्स कर सकता है क्या क्या बारह लाख पे ले रहा है चालीस लाख ले चल चालीस लाख पे टैक्स दे ऐसा सैलरी चैप्टर में हो ही नहीं सकता जितना कमाया उतना पे टैक्स एक्चुअल इनकम पे टैक्स लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलता है कि पिछले तीन महीने प्रॉपर्टी तीन लाख रुपया पर मंथ में लेट आउट हुई थी बात बाकी नौ महीने में डेढ़ लाख पे लेट आउट हुई तो इनकम टैक्स बोलेगा तीन लाख में लेट आउट तो हो ही सकता था तो योर प्रॉपर्टी तीन लाख पर मंथ लाख साल का चलो जीएवी साल का छत्तीस लाख टैक्स दे दो ये नोशनल इनकम पे टैक्स लेता है खतरनाक सेक्शन है तो एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन एनिवल वैल्यू मतलब इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी नोशनल इनकम ऑफ दी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी मीन्स लैंड सराउंडेड बाय सफिश वॉल मे और मे नॉट है रूफ एंड एनी लैंड अपर्टन एंड देयर टू मतलब घर के बाजू वाला गार्डन भी हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है घर का ही पार्ट है नेक्स्ट 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 टैचेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर तो ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर लूप बनाना पड़ता है लूप 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 बनाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर लीगल ओनर मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है बेनिफिशियल ओनर मतलब माना प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है परंतु आपका ओनर वाला ही राइट है पैसा देके प्रॉपर्टी खरीदा है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया इसलिए अपना रजिस्ट्री नहीं हुआ परंतु अपन ओनर है मुंबई का आधा प्रॉपर्टी ऐसे अवड़ाता भी आधा प्रॉपर्टी ऐसे तो भैया ऐसे प्रॉपर्टी तो हम लोग क्या बोलते हैं आप ओनर नहीं हो लेकिन बेनिफिशियल ओनर हो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे ओल्ड प्रॉपर्टी लीज ओल्ड प्रॉपर्टी दोनों के ओनर ओनर माने जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी का का ओनर होना का ओनर होना चाहिए लैंड नहीं प्रॉपर्टी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब एक प्रॉपर्टी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रही है यदि वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इंडायरेक्टली आपके बिजनेस को तो,

ट आरई आर कै नॉट एट स्टैंडर्ड दैंडर एंड ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू मतलब एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर म्यूनसिपाली रिकॉर्ड आर ई आर मतलब फेयर रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकैलिटी स्टैंडरेंट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एट फिर हमने उठाया ए आर 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 मतलब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कुछ बच्चे एनुअल रेंट रिसीवेबल समझ लेते हैं ना ना कुछ बच्चे एक्चुअल रेंट रिसीव समझ लेते हैं ना ना एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ तब भी उसको ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा एनुअल रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है तब भी उसको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा व्हाट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एक्चुअली जितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट हुई उसका कितना रेंट बनता है मिला कि नहीं मिला बात की बात हा कितना मिला दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कितना रेंट अक्रू होता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल

90 ऑफ इक्वल टू वैल्यू प्लस वॉटर टैच प्लस सिवरेज टैच यदि खाली म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो उस एनएमबी समझो और सब में कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको नॉन मेट्रो प्रॉपर्टी समझो मेट्रो प्रॉपर्टी सब में दिया रहे तो ये रिलेशन अप्लाई करना मैंडेटरी है फिर 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 फिर, फिर, फिर। सम किया उसमें हमारी ऐश्वर्य जी का कॉन्सेप्ट समझा यदि किसी कारण से स्टेप वन स्टेप टू बराबर आ जाए वो वैकेंसी पैट हटाने के बाद तो हम लोग ए आर आर को जीएवी मान लेंगे चलो ठीक है कुछ बच्चे बोल रहे आप अकेले अकेले चाय पीते हैं निकिता लोढ़ा आपने बोला सर एक बात दोबारा बता दीजिए तो आपको यह बताना पड़ेगा कि क्या दोबारा बता दू मैंने तो पूरा ही दोबारा बता दिया चलो नितिता जी का जब तक जवाब आता है तब तक अपने आगे बढ़ जाते हैं हाँ ये भी है ये यार ही दैचू कने हम लोग आगे अगले स्टेप में देखो ये स्टेप हमारा हो गया ग्रॉस एनम हाउस प्रॉपर्टी की जान थी हमने भी इसमें ठीक ठाक वेटेज दिया अगला टॉपिक है टैक्सेस बाय लोकल ऑथोरिटी इसमें आपको गिन के पांच बातें ध्यान रखनी है गिन के पांच बातें पहली बात पहली बात कि दिस इंक्लूड्स म्युनिसिपल टैक्स वॉटर टैक्स पीवरेज टैक्स ठीक है और भी कोई म्युनिसपेलिटी टाइप का टैक्स म्युनसिपैलिटी लेती है तो यहां पे माइनस होगा आप कौनसे समझ लेना एनी टैक्स चार्ज बाई म्यूनिसपालिटी हमारे देश में तीन गवर्नमेंट है और तीन गवर्नमेंट हमें रेगुलेट करती है और तीन गवर्नमेंट हमें पेनालाइज करती है तीन गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ज्यादातर टैक्स अब जीएसटी में चले जाए अदला स्टेट गवर्नमेंट उससे भी ज्यादातर टैक्स अभी तक जीएसटी में जा चुके हैं और एक है लोकल ऑथोरिटी लोकल अथॉरिटी का एक भी टैक्स जीएसटी में नहीं रहा है

रीड फ्राम संजय मुंद्रा टैक्स क्लासेस बेस्ट कोचिंग सेंटर इन हावड़ा बेस्ट कोचिंग सेंटर इन कैलकटा बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑल वेयर एवरी वेयर ऑल ऑफ दर्ल्ड ऐसा हम लोग लगा लगा के जो आ जाते हैं ना पोस्टर तो म्युनसिपैलिटी पढ़ता है ओह ये है फोन मार फोन नंबर निकाल चला एक स्टूडेंट वो फोन नंबर नहीं पढ़ता म्युनसिपैलिटी पढ़ लेते हैं और वहां से फिर फोन करती है मुन्द्रा जी रोड पे पोस्टर लगाए हमसे पूछा हमने बोला सर पूछना पड़ता है बोलाइए आ जाए तो फिर बोलते ये भी टैक्स है लेकिन ये टैक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है यहां पे कौन सा टैक्स माइनस होता है ऑल टैक्सेस चार्ज बाय लोकल ऑथोरिटी इन रिलेशन टू हाउस प्रॉपर्टी तो जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी पे बेस करके टैक्स लिया जाता है वो सारे टैक्स यहां पे वो सारे टैक्स यहां पे माइनस होते एग्जाम में पॉपुलरली तीन ही पूछता है म्यूनिसिपल टैक्स वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स

भली पे करेंट ईयरता करो कमिंग करो या कोई भी करो पे करोगे जितना पे करोगे एरियर टैक्स भी इस साल पे करोगे तो इस साल डिडेक्शन मिलेगा चौथी बात इट मस्ट बी पेड बाय ओनर टेनेंट भाई साहब पे करेंगे तो ना उधोता लेना ना माधोता देना उसको तो ना तो रेंट में ऐड करेंगे ना म्यूंसिपल टैक्स में लेस करेंगे ठीक है उसका कुछ नहीं करेंगे और लास्ट एडवांस म्यूनसिपल टैक्स भी आप दे दो तब भी डिडेक्शन मिल जाए कौन कौन सी पांच बातें वापस से uh, बोलो लो uh, से इट इंक्लूड म्यूनसिपल टैक्स वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स नंबर टू इट इंक्लूड्स क्या बोला इट इज कंप्यूटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट म्यूनिस्पल वैल्यू दीज आर अलाउड ऑन कैश बेसिस एंड इट मस्ट बी पेड बाय ओनर नॉट टेनेंट एंड लास्ट एडवांस म्युनिसपल टैक्स इज ऑल्सो अलाउड मैं तो ये बात तीस सेकंड की टाइम तो ये बार बार दिखा रहा ऑफलाइन बार मुझे तीस सेकंड दो तो यार ये बोल रहा है ऑफलाइन बताओ इसकी तो बुद्धि दो अरे मेरा दिमाग ठंडा हो रहा है यहाँ पे हाँ प्लीज तू तो पहले जाए यार कुछ तो शांति मिले एक बात कंफर्म कर रहा शायद तुम लोग का स्ट्रीमिंग में कुछ डिस्टर्बेंस आया है प्लीज चेक इट अरे कोई डिस्टर्बेंस नहीं तो प्लीज बताना ना ये सब सही चल रहा है सर एड्जिट मार दू क्या ये वर्चुअल वाले तो बोलेंगे तब बोलेंगे तीस सेकेंड पहले क्या मैं बैठा हूं चाय पी रहा हूं है ना मेरे में इसमें इंटरनेट मस्त है और इसमें इंटरनेट जीरो है हाँ ऐसे ठीक नहीं बाहर तो कोई रीजन ही नहीं हिलने का कुछ हिलाया नहीं शांति अपने पढ़ रहे हैं कुछ तो बारिश का प्रॉब्लम हो सकता है यार